गुड आफ्टरनून एवरीवन. नाउ वील बी स्टार्टिंग विद टू यूनिट्स टुडे इन आर रिवीजन क्लास. एक तो हमारी टाइम सीरीज डेटा रहेगी और दूसरी रहेगी हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग. बोथ ऑफ देम आर इजी एंड वेरी स्कोरिंग. एक है 6 नंबर की, एक है 8 नंबर की. दोनों में ही हमको लॉजिक ही अप्लाई करना है. कुछ खास मैनिपुलेशन नहीं है, कोई खास फॉर्मूला नहीं है, बस बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही कंसेप्ट रहेगा. लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ग्राफ्स यूज करने रहेंगे यहाँ पे, ठीक है. सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज टाइम सीरीज एनालिसिस. ये बेसिकली आपका दो यूनिट्स, दो पार्ट्स थी बट आपके अभी रिमूव हो गई है एक पार्ट, तो सो यू आर लेफ्ट ओनली विद टाइम सीरीज एनालिसिस. राइट नाउ टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करें तो ये होता क्या है पहले बताएंगे. एक तो पहले तो ये एक अकेला यूनिट है विच इज ऑफ 6 मार्क्स. बड़े फ्री के मिलते हैं इसमें 6 नंबर्स, ठीक है. बहुत आसान रहता है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लस माइनस ही है. नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज टाइम सीरीज. टाइम सीरीज बेसिकली क्या होता है. टाइम सीरीज इज अ सीरीज ऑफ डेटा जो हम टाइम के रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं. टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब हो सकता है हर साल के लिए रिकॉर्ड करें, हो सकता है हर मंथ के लिए रिकॉर्ड करें, हो सकता है हर वीक के लिए, और कोई कोई फैक्ट्रीज वगैरह में हो सकता है हर 15-15 दिन का हिसाब रखा जाता है. कई जगह क्वार्टरली होता है, कई जगह हाफ ईयरली होता है. सो इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो दिस टाइप ऑफ डेटा विच इज कलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स उसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज. टाइम सीरीज एनालिसिस क्या हुआ, ये जो टाइम सीरीज डेटा आया है आपके पास में उसको यूज करके हम कुछ एनालिसिस करते हैं, हम कोई ट्रेंड सेट करते हैं, हम कोई रिजल्ट लेके आते हैं, हम कोई कंक्लूजन लेके आते हैं जिसके बेसिस पे हम हमारी आगे की बिजनेस पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं. राइट सो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे. सो टाइम सीरीज डेटा किससे किन 4 चीजों से बना हुआ है, ध्यान है कुछ. ओ इक्वल टू ठीक है, ये मैंने एडिटिव मॉडल लिखा है. दो मॉडल्स होते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस करने के, एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. नाउ हियर आई हैव रिटन एडिटिव मॉडल. यहीं से हम कंपोनेंट्स भी पढ़ लेते हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज आर 4 कंपोनेंट्स, टी सी एस आई. व्हाट इज टी? टी इज अ ट्रेंड. ट्रेंड जो चला आ रहा है, मतलब होता ही है, ऐसा होता ही अक्सर. क्लास 12th वाले जनरली हम कह सकते हैं, लेट्स से अगर हम 12th की बात करें तो अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे जनरली ML अग्रवाल पढ़ते हैं. दिस इज अ ट्रेंड, चला आ रहा है, करते रहो आप, है ना. देन सी इज साइक्लिकल वेरिएशंस. साइक्लिकल वेरिएशंस जैसे कि बिजनेस साइकिल्स वगैरह में होता है ना, इनिशियली स्टार्ट होता है, फिर एक हाई टॉप पहुंचता है, बूम होता है, फिर उसके बाद फॉल करने का स्टेज आ जाता है. सिमिलरली इट कम्स फॉर आउटपुट प्रोडक्शन ऑल्सो. हम लोग जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ आउटपुट पे भी आपके हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पढ़े थे ना इनिशियली. जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जाते वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाती है, फिर एट टाइम इट कम्स कि भाई वेरिएबल कॉस्ट फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है. दैट इज साइक्लिकल वेरिएशन, साइक्लिक फॉर्म में चलता है. नेक्स्ट इज एस मीन्स सीजनल. सीजनल मतलब ये सीजनल डिपेंडेंट होता है. जैसे फसल होने के टाइम पे हम देखते हैं, ज़्यादातर आप देखोगे कि फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह ये सब मिल रही हैं, ठीक है, फ्रेश अनाज वगैरह की ज़्यादा खरीदारी हो रही है. देन हो सकता है सीजनल के अंदर जैसे विंटर्स की बात करें तो उस टाइम पे कोल्ड ड्रिंक की सेल्स कम हो जाती है, ये सीजनल वेरिएशन है. समर्स में वापस चालू हो जाएगी, विंटर्स में कम हो जाएगी. वुलन गारमेंट्स की बात करें, विंटर्स में बढ़ जाती है, समर्स में कम हो जाती है. दीज आर ऑल सीजनल वेरिएशन, सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है. एंड लास्ट इज इरेगुलर. ये इरेगुलर क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल ट्रेंड्स. मतलब कोई कुछ हो गया, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया या अभी कोविड आ गया था, तो जो आपने सोचा था वो कुछ नहीं हुआ. दीज आर इरेगुलर वेरिएशंस. ये डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे भी एंड दे आर अनप्रिडिक्टेबल, सो दे कैन कम एनी टाइम. इन्हें हम बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशंस. राइट ठीक है, क्या चले आगे. नाउ ये तो कहलाता है एडिटिव मॉडल ऑफ फाइंडिंग द टाइम सीरीज और स्टडिंग टाइम सीरीज. दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. सो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के अंदर क्या होता है, ओ इक्वल टू टी इंटू सी इंटू एस इंटू आई. सारी वैल्यूज गिवन होती है, हम सिंपली उनको मल्टीप्लाई करते हैं. दिस विल गिव यू योर टाइम सीरीज एनालिसिस. टाइम सीरीज डेटा इज इक्वल टू दिस. हम लोग वैसे तो इसको इतना ज़्यादा याद नहीं करते हैं, हम लोग इतना एनालिसिस इससे नहीं करते हैं. हम लोग करते हैं मूविंग एवरेजेस और रोलिंग एवरेजेस से, ठीक है. सो हमारे सिलेबस में क्या है, मूविंग एवरेजेस एंड रोलिंग एवरेजेस एज अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस. मूविंग एवरेज मेथड और इनको कई बार पता है रोलिंग एवरेज भी बोलते हैं. इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, स्मूथनिंग ऑफ टाइम सीरीज डेटा. जो भी आपको टाइम सीरीज डेटा दे रखा है ना, उसको हम स्मूदन आउट करते हैं. टाइम सीरीज डेटा है स्मूदन आउट यूजिंग दिस मूविंग एवरेज और रोलिंग एवरेज. सो व्हाट इट इज यूज फॉर स्मूथनिंग. इसमें मैं थोड़ी सी आपको इसलिए थ्योरी पढ़ा रही हूँ बिकॉज उसमें कई बार थ्योरी क्वेश्चंस भी बनते हैं 1 मार्क के.
सो स्मूथनिंग ऑफ टाइम सीरीज डेटा, इसका बेसिक ये रिक्वायरमेंट, मतलब ये बेसिक एडवांटेज और वी कैन से ये बेसिक यूटिलाइजेशन होता है मूविंग एवरेज और रोलिंग एवरेज का. हमारे सिलेबस में 3-year, 4-year and 5-year मूविंग एवरेजेस हैं. सो 3 और 5 तो ऑड नंबर है ना, बहुत आसान रहता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं 3 year, जैसे लेट्स से हम लोग 98, 99 and 97 की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो, और 2000, 2001 and 02. अब 3 year की बात करते हैं ना, तो 3-3 साल का एवरेज निकालते हैं. तो पहला वाला एवरेज किसका होगा आपका, 9, 7, 8, 9 का एवरेज. ये हम लिखेंगे किसके सामने, सेकेंड ईयर के सामने, 98 के सामने. यहाँ पे आपका फर्स्ट एवरेज आ जाएगा, ठीक है. देन फिर हम लोग नेक्स्ट 3 years लेंगे, तो 97 छोड़ दो, अब 98, 99 और 2000. सो अब आपका इन तीन का जाएगा, और ये किसके सामने जाएगा, 99 के सामने. यस और नो? फिर 99, 2001, ये किसके सामने जाएगा आपका, 2000 के सामने. दिस इज हाउ वी फाइंड दी 3 year मूविंग एवरेज. इसके बाद भी कुछ करते हैं क्या इन केस ऑफ 3 year and 5 year, और मूविंग एवरेज निकालते हैं क्या? नहीं. पर अगर हमारा इवन होता है, मतलब 4 year होता है, तो उसके केस में हम 2 बार एवरेजिंग करते हैं, ठीक है. सो ये तो हो गया 3 year का. अब 5 year की बात करते हैं. सो 5 year के केस में 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. अब 5 year का लेंगे, 5 year का लेंगे तो मिडिल ईयर के सामने लिखेंगे. तो 5 year यहाँ क्या हो जाएगा, 7, 8, 9, 2000, 2001. सो इन पांचों को जब आप एवरेज लोगे, आप किसके सामने लिखोगे, 99 के सामने. ये फर्स्ट एवरेज. फिर हम ऊपर वाले को छोड़ेंगे, अब किसको लेंगे, 98, 99, 2000, 2001, 2002. ऊपर से एक छोड़ा, नीचे एक इंक्रीज किया. सो नेक्स्ट विल बी योर 98 से 2002, और किसके सामने लिखोगे, मिडिल ईयर 2000 के सामने, करेक्ट. एंड सो ऑन वील प्रोसीड. अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज नोट करोगे, शुरू के 2 साल और नीचे के 2 साल के सामने कुछ नहीं आएगा, ठीक है. और 3 year में ऊपर का 1 साल और नीचे का 1 साल के सामने कुछ नहीं आएगा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज 4 year मूविंग एवरेज. 4 year मूविंग एवरेज में क्या होता है, अब किसके सामने लिखूं, 4 year का हाफ तो होता ही नहीं है, तो 4 year का हाफ क्या होगा, 2.5, ठीक है, मतलब एवरेज. सो लेट्स से हम यहाँ पे बात करते हैं 91, 92, 93, एक सेकेंड हम थोड़ा सा इसको ढंग से लिखते हैं, 91, फिर 92, 93, 94, 95. आई ऑलवेज सजेस्ट 4 year मूविंग एवरेज हो तो एक लाइन छोड़ के एक लाइन करें, हमारा और ब्यूटीफुल लगता है आंसर. 96, क्योंकि अभी आपको ब्यूटिफिकेशन पे भी ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 97 एंड 98. नाउ हमसे बोला है 4 year मूविंग एवरेज, तो 4 साल का मूविंग एवरेज तो हम किसके, इनके मिडिल में लिखेंगे. मिडिल क्या होगा इसका, 2.5. 1, 2, 3, 4 का मिडिल पॉइंट क्या होगा, सो 91 से लेके 4 तक का 4 डिवाइड बाय एवरेज ले लो आप टोटल, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 2.5. तो हम लिखेंगे इसके सामने, यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट. सो ये हो गया आपका लेट्स से फर्स्ट, ये इसका एवरेज आया. फिर उसके बाद वापस से कैसे करेंगे, किस किस का लेंगे 4 साल, 92, 93, 94, 95. ये किसके सामने आ जाएगा, 92, 93, 94, 95. 93 और 94 के बीच में, यस और नो? ये इसका हो गया सेकेंड, करेक्ट. मैं इसको 2.5 और 3.5 लिख दूं क्या, इजी रहेगा आपको समझने में, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट लेंगे 93, 94, 95, 96. ये किसके सामने, इसके सामने, ये किसके सामने आ जाएगा, 96 तक का. 94.5 के सामने, 4.5. अब 4 year का ब्यूटी क्या है, एक बार एवरेज लिया, फिर 2 बार एवरेज, एक और बार एवरेज लेते हैं, क्योंकि 2.5 और 3.5 के बीच में हम नहीं लिख सकते, आधा आधा साल का नहीं चलता है, पूरा साल लेना होता है. तो अब क्या करेंगे, 2.5 और 3.5 का एवरेज लेंगे, क्या आएगा, चलो एक और लिख लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद चलते हैं. 95, 96, 97, ये वाला ले लिया, और अब आएगा हमारा 95.5 के बीच में. हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, 2 year का लेते हैं, तो किस किस का लेंगे, पहले लेंगे 2.5 और 3.5 का, किसके सामने आ जाएगा, बीच में, मतलब ये आ गया एक्चुअली आपके 93 के सामने, समझिए. अब किसका लेंगे, 3.5 और 4.5 का, ठीक है. सो ये किसके सामने आ जाएगा, 4 के सामने, है ना, फिर 4.5 और 5.5, फिर ये आ जाएगा
आपके 5 के सामने. सो अल्टीमेटली पहले बीच में जाएगी फिर वापस सामने आ जाएगी. यहाँ पे भी ध्यान रखना है ऊपर के दो और नीचे के दो में नहीं आएगी. देख लो आप 1 और 2 में नहीं आई और ऐसी लास्ट में भी 1 लास्ट वाला जो भी नंबर होगा आपका उन दो में नहीं आएगी. गॉट इट. चलें क्वेश्चंस करते हैं इस पे ना. इसी के चलो क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले एक बार वो फिटिंग ऑफ ली स्क्वायर मेथड भी कंप्लीट करते हैं. सो कई बार हमसे ट्रेंड इक्वेशंस भी पूछी जाती हैं. ट्रेंड इक्वेशंस निकालने के लिए हम एक ही मेथड यूज करें, ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं बट वी हैव ओनली वन मेथड इन आवर सिलेबस व्हिच इज मेथड ऑफ ली स्क्वायर्स. सो मेथड ऑफ ली स्क्वायर्स, प्लीज रिमेंबर द मेथड. इधर हमको है ना एक टाइम सीरीज डेटा दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे हमारे टाइम वैल्यू दे दी या ईयर दे दिया जिसको हम टी से डिनोट कर देते हैं. सॉरी दिस इज माई ईयर जिसको हमने टी से डिनोट कर दिया. इसके करस्पॉन्डिंग हमको कोई भी वाई वैल्यू दे रखी है. मान लो हम सेल्स ही स्टडी करें तो यहाँ पे हो गई आपकी सेल्स जो वाई से डिनोट की जाती है. अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, आपके सेंट्रल ईयर को आपको आपका रेफरेंस पॉइंट लेना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं 95, 96, 97, 98, 99. पांच ही ले रही हूँ मैं जानकर, इजी रहे जैसे. और इसको 2, 3, 4, 5, 4 ले लिया. मिडिल ईयर को हम लोग यहाँ पे जनरली हमारा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. सो अब हम पता है यहाँ पे एक्स निकालते हैं विच इज टी माइनस मिडिल ईयर क्या है 97. तो आप देखो ये बन रहा है -2, -1, 0, 1 एंड 2. इसका ब्यूटी क्या है, हमको ये सिलेक्ट इसलिए करना है क्योंकि वी वांट आवर समेशन एक्स टू बी जीरो. नहीं तो क्या होगा, हमारी मेथड ऑफ ली स्क्वायर की इक्वेशंस जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी. नॉर्मल इक्वेशंस हमको बहुत लंबी बनानी पड़ेंगी. सो हमारी ब्यूटी क्या है, यहाँ पे समेशन एक्स को आप जीरो बना दीजिए जिससे आपका काम हो जाए. इधर से आप समेशन वाई निकालिए, सम टोटल ऑफ ऑल वाई वैल्यूज विच विल कम आउट टू बी 4, 4, 8, 10 एंड 18. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो और एक्स वाई कैलकुलेट करो. एक्स वाई आपको साइन के साथ कैलकुलेट करना रहेगा. सो -4, -3, 0, 5 एंड 8 कितना हो गया टोटल देखो 6. ठीक है. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लो 4, 1, 0, 1, 4 कितना हो गया 5, 5, 10. ठीक है. ये आ गया आपका समेशन एक्स स्क्वायर और ये आ गया आपका समेशन एक्स वाई. अब हमारे पास पता है इक्वेशन जो हमारी एक्चुअली ट्रेंड इक्वेशन क्या होती है, द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इट इज अ लीनियर इक्वेशन विच इज गिवन बाय वाई टी. वाई एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय ए प्लस बी एक्स. नाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन हमको ए और बी निकालना है यहाँ पे. ठीक है. सो ए और बी निकालने के लिए हम लोग दो नॉर्मल इक्वेशन यूज करते हैं. द टू नॉर्मल इक्वेशन, एनी आइडिया अबाउट द नॉर्मल इक्वेशन, कुछ आइडिया है क्या? समेशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस B समेशन x. एक तो ये इक्वेशन होती है और दूसरी होती है समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन x प्लस B समेशन x स्क्वायर. अभी देखो ब्यूटी, इसकी ब्यूटी क्या थी, मैंने समेशन x को जीरो किया था, उससे आप देखो मेरी ऊपर वाली इक्वेशन कितनी आसान हो गई. समेशन y इक्वल टू n इंटू ए, बस समेशन x तो जीरो है. सो इधर से हम a की वैल्यू निकालते हैं. सो a इज कैलकुलेटेड यूजिंग समेशन y बाय n. बहुत ही आसान हो गया. अगर आप समेशन एक्स को जीरो नहीं रखोगे ना तो ये आपकी नॉर्मल इक्वेशंस आपको प्रॉब्लम देंगी. ठीक है. सो हमारी होती कोशिश क्या है, समेशन एक्स को जीरो करो. ठीक है. नाउ ऊपर सेकंड वाली इक्वेशन से हम बी निकालेंगे. देखो ए समेशन एक्स पूरा फैक्टर जीरो हो गया क्योंकि समेशन एक्स जीरो है तो पूरा फैक्टर जीरो. सो इधर से क्या बचता है, बी समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स वाई. बी की वैल्यू क्या हो गई, समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर. हाँ या ना, सोचिए. अब आप बोलोगे मैम आपने तो खुद ने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इयर्स ले लिए, इवन होते तो कोई बात नहीं यार, इवन होते तो मिडिल वाला ले लो. मतलब यहाँ पे 2000 और होता तो 97 और 98 का बीच का ले लो. 0.5 का टंटा आएगा. अगर अच्छा नहीं लगता 0.5 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यूज पे. ठीक है. सो नो इश्यूज इन द वैल्यूज इवन इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड इफ यू डोंट मल्टीप्लाई विद 2 तो भी 0.5 में भी काम हो जाता है. बस ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करने में थोड़ा जोर आता है, बस और कुछ नहीं. ठीक है क्या? We'll see directly the questions now. Now once you have calculated a and b, you'll have yt in the form of an equation. फिर हम हर t के corresponding, हर x के corresponding हमारी y की trend value निकालेंगे कि होनी ये चाहिए थी पर हो ये गई. वैसे भी फर्क होता ही है ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यूज में, राइट? चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग डायरेक्टली इस पे, इंडेक्स टाइम्स इंडेक्स सीरीज एनालिसिस पे. आई विल डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस पार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर बेसिकली थ्योरी क्वेश्चंस ओनली.
सो थ्योरी क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक. बताइए क्या होगा. इरेगुलर ट्रेंड. क्यों? क्योंकि हीट स्ट्रोक हुआ है सो इरेगुलर ट्रेंड होगा. आर यू श्योर? यार गर्मी तो हमेशा आती है, जरूरी तो नहीं हर बार हीट स्ट्रोक पड़ेगा. आर यू श्योर इट इज एन इरेगुलर ट्रेंड? हीट स्ट्रोक कभी भी विंटर्स में नहीं होता है, इट इज अ सीजनल ट्रेंड. हीट स्ट्रोक, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक. द समर्स विल ओनली गिव यू हीट स्ट्रोक सो ओनली इट विल बी अ सीजनल ट्रेंड. जब भी समर का सीजन आएगा तभी आपके हीट स्ट्रोक का पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है सो इट इज अ सीजनल ट्रेंड. ठीक है, हीट स्ट्रोक विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ समर ओनली. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रॉस्पेरिटी रिसेशन एंड डिप्रेशन इन अ बिजनेस साइकिल. ये तो बहुत ईजी है, साइक्लिकल. ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टाइम सीरीज डेटा यू बीन गिवन, फ्रॉम द टाइम सीरीज डेटा ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज बाय थ्री ईयर मूविंग एवरेज. थ्री ईयर मूविंग एवरेज, देखो ये क्वेश्चन में तो कैसे भी टेबल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल बनाएगा, वर्टिकल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी, पर आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? यू ऑलवेज हैव टू मेक टेबल वर्टिकली. ऑलवेज डू योर क्वेश्चन इन वर्टिकल ऑर्डर ओनली, राइट. सो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. आपको ईयर दे रखा है, मैं एक लाइन छोड़ के एक लाइन ही लिख लेती हूँ सो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 वैल्यूज दे रखे हैं हमको यहाँ पे. द सेल्स, सेल्स दे रखे हैं 8, 12, 10, 13, 15, 12, 16, 17, 14 and 17. अब थ्री ईयर मूविंग एवरेज में पहले बताओ ऊपर आएगा क्या कुछ, फर्स्ट वाले ईयर के सामने कुछ आएगा क्या? नहीं. तो पहले तो आप लिखो थ्री. अब जैसे यार ये थ्री नंबर का क्वेश्चन आ गया तो यार हम कैसे सुंदर बनाए इसको, तो पहले एक कॉलम बना लो आप थ्री ईयर मूविंग टोटल का और फिर बना दो थ्री ईयर मूविंग एवरेज का. तो पहले टोटल लिखो फिर एवरेज लिखो. सो हम लिखेंगे थ्री ईयर मूविंग टोटल और एक लिखेंगे हम थ्री ईयर मूविंग एवरेज. इसने क्वेश्चन में मूविंग एवरेज ही तो पूछा आपसे. ठीक है, सो टोटल निकालिए थ्री ईयर का 8, 12, 10 कितना हो गया? 30 तो किसके सामने जाएगा ये आपके, आपकी ईयर 2009 के सामने. ठीक है, नेक्स्ट फिर आएगा 12, 10 और 13 का कितना हो गया? 35. नेक्स्ट 10, 13, 15 का 38 करेक्ट. फिर हो जाएगा 13, 15, 12 का 40. फिर ये आ रहा है आपका 40, सॉरी ये भी अटक गए हैं. ओके पहले 40 आया, ये तो 40 हो गया. नेक्स्ट 13, 15 एंड 12 अगेन 40 आ रहा है. नहीं ये तो 43 हो गया. 15, 12 एंड 16 ओके. नेक्स्ट 12, 16 एंड 17 45 वेरी नाइस. नेक्स्ट 16, 17, 14 47 एंड लास्ट 17, 17, 34 एंड 48 आ रहा है. देखो चेक करो, अब बस एवरेज निकालना है. 30 के सामने 30 का एवरेज डिवाइड बाय 3 रहेगा यहाँ पे. सो सीधा सीधा कर दीजिए एवरेज वैल्यू 10 ये हो जाएगा 11.67 है ना. 38 कितना हो जाएगा? 12.67. 40 13.33. 43 14.33. ये तो फिक्स हो गई डायरेक्ट ही. 15.67 एंड लास्टली 16. वेरी इजी वेरी सिंपल. ठीक है, कई जने इसको है ना, मतलब व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन ना तो फर्स्ट जो कैलकुलेशन है ना उसको ऐसे दिखा देते हैं ऐसा. दिस यू कैन शो फॉर फर्स्ट टू एंड देन यू कैन स्किप, मतलब पेंसिल से दिखाते हैं तो ऐसा ये ऐसा. ठीक है, सो यू कैन गो फॉर इट और एल्स यू कैन स्किप ऑल्सो जस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन. यस बट यूज पेंसिल, डोंट यूज योर पेन.
नहीं तो बहुत सूगला दिखेगा, बहुत ही गंदा। सो आप चाहें तो और उसको डिटेल्ड या डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए आप ये एरोज बता सकते हैं, ओनली फॉर फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशन और थ्री ऑब्जर्वेशन, बट देन रिमूव इट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स। आपको अभी इसमें ये वाले क्वेश्चन में जाता है, पता है क्या, आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सूगला काम करोगे ना, कोई आपके क्वेश्चन को चेक नहीं करेगा। मेक श्योर यू आर डूइंग इट विद गुड गुड प्रेजेंटेशन, सुंदर सुंदर, नीट नीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू द गिवन डेटा बिलो। ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ ईयर्स काउंट कर लो, इवन चल रहा है ऑड चल रहा है, इट इज एन ऑड, तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी करते हैं हम लोग, इसके अंदर वैल्यू बनाते हैं ईयर, सेल्स दे रखे हमको, सो सेल्स वैल्यू क्या हो गई आपकी वाई वैल्यू, और ईयर वैल्यू आपकी टी वैल्यू। ठीक है, सो निकालते हैं, हमको दे रखा है 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 तक दे रखा है, 17 एंड 18, 18 यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। ठीक है, नाउ सेल्स दे रखे हमको 9, 11, 13, 12, 14, 9, 11, 13, 12, 14, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट राइटिंग हाउ यू आर राइटिंग योर वैल्यूज 15 एंड 17। अभी देखिए आप सेंट्रल ईयर कौन सा लोगे, 15 को ले लो। ठीक है, सो इधर से हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, टी माइनस 2015, देखिए ऊपर चलेगा माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपको निकालना होता है एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप एक्स वाई पहले निकाल लीजिए फिर एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। एक्स वाई मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि बाजू बाजू में होता है ना, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, और बीच में एक्स स्क्वायर लिख देते हो ना तो क्या होता है, कई बार हम लोग वाई और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते गलती से, सो आई प्रेफर एक्स एक्स वाई साथ साथ कर दो, मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, सो 9 3 27, यहाँ पे माइनस 22, माइनस 13, 0, 14, 30 एंड 51, करेक्ट, नहीं हाँ 51 सही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इधर से एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 9 4 1 0 1 4 एंड 9, बात खत्म। निकाल लेते हैं समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन एक्स वाई, समेशन वाई निकालो पहले, तो समेशन एक्स चेक कर लेना 0 आ रहा है, समेशन वाई कितना आया 91, समेशन एक्स वाई 33 33, यहाँ नेगेटिव साइंस का ध्यान रखना है आपको, सो समेशन एक्स वाई इज कमिंग एज 33 एंड समेशन एक्स स्क्वायर 28, करेक्ट। ठीक है, 10 10 हो गया, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 10 एंड 10 20 एंड 4 4 8। इधर से अब हमको ए निकालना है और हमको बी निकालना है, सो ए इज गिवन बाय समेशन वाई बाय एन, याद आया फॉर्मूला, पुट कर दीजिए 91 बाय हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 7, सो इट कम्स आउट टू बी 13 एंड बी इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर, करेक्ट, समेशन एक्स वाई 33 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 28, दिस गिव्स यू 1.17 नहीं आएगा 18, हाँ 1.18, हाँ 179, हाँ 179 आ रहा, तो 18 लिख लो चलो। ठीक है, ना इधर से हमारी को सिर्फ ट्रेंड इक्वेशन ही निकालनी थी, फिट अ स्ट्रेट लाइन ही निकालनी थी। ठीक है, सो ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी, आपको एक और कॉलम नहीं बनाना है वाई इक्वल टू दिस वाला, सो यहाँ से सीधी सीधी आपकी ट्रेंड इक्वेशन क्या हो गई, वाई ऑफ टी इक्वल टू ए 13 प्लस 1.18 इंटू एक्स, करेक्ट और नॉट, दिस इज योर ट्रेंड वैल्यू, गॉट इट, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल दीज क्वेश्चंस आर, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू द फॉलोइंग डेटा फॉर द पीरियड 11 टू 18, 11 टू 18 हाउ मेनी इयर्स, फर्स्ट टेल मी, दीज आर ऑड इयर्स राइट या इवन इयर्स, इवन है 8 इयर्स है। ठीक है, सो आप चाहो तो 0.5 करिए पहले, 0.5 से निकालते हैं, क्वेश्चन फाइव। ठीक है, अगेन ईयर दे रखा है हमको, ईयर एंड सेल्स, ईयर इज 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, एंड सेल्स दे रखे हैं 76, 80, 130, 144, 138, 120, 174 एंड 190।
प्लीज़ अपने प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रेजेंटेशन। वाई हो गई, अब हमको क्या निकालनी है, एक्स निकालते हैं पहले तो। सो मिडिल वैल्यू कौन से ले रहे हो, 2014.5 ले लें, 2014.5 ले लेना इन दोनों के बीच का, तो 2014.5 आधा हो गया। सो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 14.5 माइनस 0.5 माइनस 1.5 माइनस 2.5 माइनस 3.5, और ये हो जाएगा प्लस 0.5 1.5 2.5 3.5। माइनस करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा हो जाता है। ठीक है, अभी पहले एक बार 0.5 से करते हैं, फिर आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे एक क्वेश्चन में। ठीक है, सो इधर से क्या आया, एक्स वाई निकालते हैं पहले तो। पूरा समेशन बता रहे हो, 76 इंटू माइनस 3.5 कितना आया, 7 इन माइनस 266, नेक्स्ट माइनस 200, नेक्स्ट 195 माइनस 72 प्लस 69 180 435 665। चेक कर लीजिए एक बार, समेशन करना रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज को साथ में सम कर लीजिएगा और फिर फाइनल आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर निकाल लेते इधर साइड में जब तक हम लोग। सो एक्स स्क्वायर 12.25, 6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, 6.25 एंड 12.25। मैं इसी को है ना आपको 2x भी करके बता दूंगी हाथों हाथ, आपको कंफर्टेबली समझ आ जाएगा वो भी चीज। देन व्हाट इज द सम टोटल, इसका कितना रहा है 616, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, एक कर लो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इधर से सेल्स का समेशन कितना आया, यही आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। समेशन वाई 44 नहीं आ रहा है, 42 आ रहा है, 42 मैंने नहीं चेक किया है, मैं पहले बोल रही हूँ। 1 2 3 4 1 बचा यहाँ पे, ये हो गया 20 21, 42 डबल, हाँ 42 आ रहा है। ठीक है, समेशन एक्स वाई हो गया, समेशन एक्स स्क्वायर हो गया, समेशन एक्स जीरो आ रहा है और समेशन वाई हमने निकाल लिया 1052। पुट करते हैं वैल्यूज, ए निकालते हैं, ए कितना आएगा, समेशन वाई बाय एन कितना हुआ 616, नहीं समेशन वाई कितना था 1052 बाय एन कितना है 8, चेक कर लो 131.5 आ रहा है, चेक करो प्लीज चेक। सही है क्या, कशिश आया, अर्णव डन डन, सेम बी कैलकुलेट करते हैं। सो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर, चेक करो 616 अपॉन 42, 808 सॉरी 308, आई एम सॉरी 308 अपॉन 21। ठीक है, 21 से डिवाइड करते हैं, समथिंग अराउंड 1 पॉइंट नहीं 14.67, आर यू श्योर, सही है। नेक्स्ट इधर से आ गया हमारा बी वैल्यू, नाउ पुट कर देते हैं वाई इक्वल टू ए सॉरी ए पुट कर देती हूँ मैं तो वैल्यू पूरी। सो इधर से ट्रेंड इक्वेशन आ गई हमारी 131.5 प्लस बी टाइम्स सॉरी 14.67 टाइम्स एक्स। यहाँ पे एक्स हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, राइट। सो कई बार हमारी रिक्वायरमेंट, हम लोग कई बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारी एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को एक बार देख लेते वापस से, शुड आई टेल यू इन दिस क्वेश्चन ओनली 2 से मल्टीप्लाई करके, या एक और क्वेश्चन होगा शायद इवन का, देखती हूँ। फिट अ स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4, हाँ इसमें है 8, सो उसमें देख लेंगे हम लोग डबल करके। ठीक है, ऑल राइट, ध्यान रहेगा। अच्छा अब मैं आपसे इसमें पूछती हूँ कोई क्वेश्चन कि भाई व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर 2019, 2019 तो पहले तो आप मुझे एक्स बताओ क्या लोगे, इस इक्वेशन के हिसाब से एक्स क्या लोगे, 4.5। देखो यार 2019 तो देखो इसके बाद वाला साल होगा ना,
सो इसके बाद वाला क्या होगा, 4.5 हो जाएगी एक्स वैल्यू, पुट कर दो एक्स वैल्यू आपकी ट्रेंड इक्वेशन में 4.5, यू विल गेट द डेफिनेट आंसर. ठीक है क्या? नेक्स्ट मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 है ना, हाँ. कैलकुलेट द फोर ईयरली, नाउ फोर ईयरली मूविंग एवरेज आ गया आपके पास फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन हायर सेकेंडरी स्कूल इन अ पर्टिकुलर सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. सो ईयर दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 6, we'll start with the year, मैं एक छोड़ के एक, फोर ईयर मूविंग एवरेज हमेशा एक लाइन छोड़ के एक लाइन ही लिखें क्योंकि 2.5 3.5 चलेगा, राइट? हाँ गिवन होता है फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट या फाइव ईयर, फाइव मार्क का क्वेश्चन होगा तो उसमें करना ही है फिर तो. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दे रखा है ईयर हमको, फोर ईयर मूविंग एवरेज निकालना है. सो देखो 2011 से लेके 19 तक का है. सो 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19. फोर ईयर मूविंग एवरेज है. यहाँ पे हमारा फिर क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स. सो नंबर ही लिख के छोड़ रही हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिख रही पूरा. 124, 120, 135, 140, 145, 158, 162, 170 and 175. करेक्ट. हम फोर ईयर मूविंग एवरेज के लिए पहले मैंने आपको बताया एक बार मूविंग टोटल बना लो, फिर एवरेज बना लो और फिर टू सेंटर्ड बना लो. ठीक है. सो पहले बनाते हैं फोर ईयर मूविंग टोटल. मैं छोटा ही लिख रही हूँ अभी, फोर ईयर टोटल ही लिख रही हूँ क्योंकि फिर बहुत खोच पोच दिखेगा मेरा. ठीक है ना, इसको किसके सामने रखेंगे, 2.5 के सामने, राइट? सो कितना हो गया सम टोटल इसका 2.5 के सामने, देखो 519 चेक करो. फिर 3.5 के सामने लिखेंगे कितना आ रहा है, 145, कितना 540. फिर लिखेंगे 4.5 के सामने मतलब 578. नेक्स्ट 609, वेरी नाइस. 609 आ रहा है, आर यू श्योर? 605. नेक्स्ट, एक सेकेंड, अब आगे का करो, मेरा अटक गया, इतनी कैलकुलेशन में थक गया वो भी. 605, फिर कितना आया, 635. ओके नेक्स्ट, 665. बस आगे के दो में तो कुछ आएगा नहीं, करेक्ट. अब इनका पहले एवरेज निकाल लेते हैं यहाँ पे, फोर ईयर मूविंग एवरेज. ठीक है, सो इन दोनों का 519 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट, कितना हो गया, 129.75. सही है. 540 बाय 4, 135. 578 बाय 4, 144.5. 605, करेक्ट. नेक्स्ट 158.75. और फिर 665 कितना हो जाएगा, 166.25 आएगा. देखो, ठीक है. अब हम निकालेंगे टू ईयर, क्योंकि वैसे भी आधे साल के सामने आप नहीं लिख सकते, 12 और 13 के बीच में नहीं लिख सकते, हमें एक जगह लाना पड़ेगा. सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे. ठीक है, सो इन दोनों का एवरेज किसके सामने आ जाएगा, आपके 13 के सामने, करेक्ट. निकालिए दोनों का एवरेज कितना हुआ, 129.75 एंड 135, 132.375. ये दोनों कह रही हूँ मैं, इन दोनों का एवरेज हो गया आपका यहाँ पे. फिर ऐसे 135 और 144.5 का कितना हो गया, 139.75, चेक करो. तक आएगा ये, है ना. फिर 151.25 और 158 का एवरेज हो जाएगा 155. एंड लास्टली 162.5 ही आएगा, सिर्फ 52 आएगा क्या, 162.5 ही आएगा लास्ट वाला, चेक कर लो. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फोर ईयर मूविंग एवरेज. आपको टेबल बनानी है, मैंने ना जानकर ग्रिड नहीं बनाई है क्योंकि ये देखिए ऐसे, यू हैव टू मेक लाइक दिस प्रॉपरली,
ये, और यहाँ पे फिर टू सेंटर्ड एवरेज लिख लो, ठीक है, और फिर ये ऐसे ग्रिड, ये फिर हर ईयर की बनानी है। पर आपके पास तो क्या रूल्ड वाली कॉपी भी रहेगी, तो आप उसमें आप नी भी बनाओ पर चलेगा, बट आई विल प्रेफर कि आप उसको बनाएं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़ के एक लाइन किया है, तो फिर आप यहाँ पे स्पेस बनाओगे तो यहाँ दिख जाएगी वो, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। कई जने क्या करते हैं, सिर्फ इसको भी ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, बस इन दोनों को भी ऐसे ऐसे, बस दैट्स इट। तो वो दिखता है अलग से, हाईलाइट होता है कि इट इज इन बिटवीन द टू, राइट। चले आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये आ गया आपका क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है, हर साल को क्वार्टर में डिवाइड कर दिया हमने, 1, 2, 3, 4 क्वार्टर्स में, एंड देन वी आर सॉल्विंग इट, राइट। सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द टेबल बिलो गिव्स द डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन मिलियन किलोवाट आवर्स इन ईच क्वार्टर फॉर द ईयर्स 2002 एंड 2004। कैलकुलेट द फोर क्वार्टरली एवरेज एंड शो दैट दीज मूविंग एवरेजेस ऑन अ ग्राफ पेपर, कमेंट ऑन द जनरल ट्रेंड। सो क्या करोगे, इसको आप ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट करोगे, ठीक है। सो बनाते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीचे ले लेती हूँ उसको, क्वेश्चन नंबर 7। करें हम लोग ऐसा वाला क्वेश्चन, करें ना, नाउ ईयर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वार्टर बनाते हैं, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली तीन 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 करके 12 बनाने रहेंगे आपको, और फिर आप उसको कंबाइंड ईयर लिख देंगे, 2002 का, 2003 का, 2004 का, राइट। सो पहले इसका फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, और फिर इसको कंबाइन करके ऐसे लिख दो यहाँ पे 2002, 2002 ईयर, या ऐसे करके अच्छे से बना दो स्क्वायर ब्रैकेट। फिर नेक्स्ट वापस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सिमिलरली इसको 3 के लिए कर देंगे ऐसा 003। एंड फोर्थ 004, ये बना दिया हमने पहले क्वार्टर, है ऐसे टेबल बनेगी हमारी, ठीक है। इसके बाद हम इनकी वैल्यूज स्पेसिफाई कर लेते हैं, तो वैल्यूज क्या दे रखे हैं हमको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड दे रखे हैं, तो मैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख देती हूँ, ये यूनिट्स लिख देती हूँ, इजी रहेगा यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है। कितनी कितनी है देखो, 8, 7, 6 एंड 9, आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली रीड करनी है, 8, 7, 6 एंड 9, फिर 10, 7, 7, 10 एंड देन, ठीक है ना, ये हो जाएगी फिर 10, 7, 7, 10, 10, 7, 7, 10, और फिर लास्ट लास्ट वाले ईयर की हो गई 11, 7, 8, 10। हाँ जी, कैसे करेंगे क्वार्टर का, सेम तरीका है, बस बस जो आप एक्सप्रेशन का तरीका है वो डिफरेंट है, दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम है। सो वही चार वैल्यूज को पहले ऐड करते हैं, 8, 9, 17 एंड 13, कितना हो गया आपका 30, 30 को हाफ कर देते हैं, मतलब मैं हाथ तो यहाँ पे एवरेज भी लेके लिख देती हूँ, हाथों हाथ डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना बचा 7.5, सही है ना। सिमिलरली 7, 6, 9, 10, इन सबको करेंगे तो हमारे को क्या मिल रहा है 32, चेक करो, है ना। फिर आ रहा है 6, 9, 10 एंड 7, 32 वापस 32 ही आ रहा है, तो 8 हो जाएगा इसका एवरेज भी। नेक्स्ट 9, 10, 7, 7, 14, कितना 33, सही हो जाएगा 8.25, सही है। नेक्स्ट 34, 8.5, नेक्स्ट 35, 8.75, और फिर लास्ट नहीं अभी तो और है 35, फिर 8.75 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 10, 11, 7, 8, कितना हुआ 36, कितना हो गया 9, नेक्स्ट फिर से 36 आ रहा है, 36, 9, अब तो कुछ आएगा नहीं। अब इन दोनों का सेंटर्ड एवरेज निकाल लेते हैं, 8 एंड 7.5 का कितना हो गया 7.75, चेक करूं, फिर 8, 8 का तो एवरेज 8 ही हो गया, 8, 8.25 का कितना हो गया 8.125, इनका हाफ, फिर 8.5 और इसके बीच का कितना हो गया 8.375, फिर 8.5 और 8.75 के बीच का हो गया 8.625, फिर इन दोनों के बीच का तो 8.75 ही आएगा, इन दोनों के बीच का 8.875 और 9, 9 के बीच का 9। अब बताओ ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करते हैं, हाउ विल यू प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर,
डॉटेड लाइन एंड सॉलिड लाइन. सॉलिड लाइन आपका जो जनरल ट्रेंड चल रहा है वो, और डॉटेड लाइन से हम लोग हमारी जो हमने ट्रेंड वैल्यूज निकाली ना ये, पर ये है ना आप जैसे थर्ड क्वार्टर के सामने ही आएगी, फोर्थ क्वार्टर की आएगी, फर्स्ट टू की नहीं प्लॉट करेंगे और लास्ट टू क्वार्टर्स की प्लॉट नहीं करेंगे, और एक जनरल ट्रेंड लाइन बना देंगे. कैसे? सो ये हमारी अगर वैल्यूज ऐसे हो गई, हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट करते हैं, द टाइम. यस द टाइम. सो यहाँ पे 1 2 3 4 क्वार्टर 1 2 3 4 क्वार्टर 1 2 3 4 क्वार्टर रहेगा. ठीक है. सो इधर हो गया आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. हो हैंग हो गई, ज्यादा डिजाइनिंग कर लिया अपन ने. ठीक है, यहां से आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ठीक है, और वैल्यूज क्या दे रखे हैं हमको, मतलब लास्ट 11 तक दे रखे. तो ऐसा करते हैं 1 2 11 मार्क कर लेते हैं, ये इजी रहेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. परफेक्ट है. चलो ठीक है, वही हम नॉर्मल, अभी तो पहली जो प्लॉटिंग नॉर्मल रहेगी आपकी फर्स्ट के अगेंस्ट 8. सो 8 11 11 10 9 8 7 6 5 4 3 काम नहीं आएगी. 8 फर्स्ट के अगेंस्ट 8, फिर 7 6 9 10 7 7 7 8 10. अब क्या करेंगे हम इसको सॉलिड लाइन से जोड़ दें. सॉलिड लाइन से जोड़ोगे तो आप ऐसा ट्रेंड. अच्छा, ये आपको स्ट्रेट लाइन ही यूज करना है, मतलब फ्री हैंड स्केचिंग नहीं है ये, इट इज स्ट्रेट लाइन स्केचिंग. सो ये आपकी ओरिजिनल हो गया. ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रेंड वैल्यूज आई है उनको हम किससे करेंगे, अनफ डॉटेड लाइन से. ठीक है, और अब हम लोग सेकेंड थर्ड क्वार्टर से स्टार्ट करेंगे, राइट, क्योंकि हमारा देखो फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर के सामने तो कुछ आया नहीं. थर्ड क्वार्टर पे 7.75, अब ये ना बहुत पास पास वैल्यूज आएंगी 7.75. सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप तो बड़े बड़े बनाए थोड़े से, अभी मेरे को इसी में फिट करना था इसलिए मैंने छोटा ही बना दिया. 7.75 थर्ड क्वार्टर, 7.75 समवेयर हियर चेक करो. देन वी हैव फोर्थ पे 8, फोर्थ पे 8 ये रही, ये 8. फिर फिफ्थ पे कितना, मतलब फर्स्ट पे वापस 8.25, इतना सुपर शिफ्ट हुआ. फिर 8.375, सो 5 से जस्ट थोड़ा सा नीचे. सेकेंड पे ऐसा कुछ, फिर थर्ड पे 8.625, थोड़ा सा ऊपर, फिर 8.75, और थोड़ा सा ही जाएगा, बस ज़्यादा नहीं जाएगा. फिर उसके बाद 8.75 हो गया, फिर 8.875, फिर थोड़ा सा और ऊपर, अभी भी 9 को टच नहीं किया हम लोग, और लास्ट है आपका 9. मैं इसको यहाँ पे 9 पे टच कर दिया. अब हम इसको डॉटेड से प्लॉट कर देंगे. सो डॉटेड मेरी कहाँ कहाँ आ रही थी, 1 ये वाला, ये पॉइंट है, छोटा सा ही मूवमेंट होएगा, बहुत ही फॉल्स रहेगा ऐसा. दिस इज योर ट्रेंड लाइन. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट. ठीक है, क्या समझ आया एवरीवन? इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? दिस इज हाउ वी प्लॉट द ग्राफ. तो प्लॉटिंग करने को आपको आता ही है ये जनरली. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपका आंसर आ जाएगा. देखो आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था, क्वेश्चन बोल रहा है गया, कौन से पे आ गया, ये वाला, हाँ, 8th. फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ ली स्क्वायर्स एंड टैब्यूलेट द ट्रेंड वैल्यूज. देखो अब क्वेश्चन में ही बोला है ना टैब्यूलेट, सो डेफिनेटली एक तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, दूसरा आपसे यहाँ पे टैब्यूलेट भी करनी रहेगी, मतलब ये वाली वैल्यूज वाई ट्रेंड इक्वल टू आपको वैल्यूज पुट करके निकालनी रहेंगी, राइट. सो दिस इज हाउ, सो स्पेसिफाइड रहेगा आपको क्वेश्चन में. और फिट अ ट्रेंड लाइन, तो फिटर ट्रेंड लाइन में आपको वहीं पे खत्म कर देना है, बस y इक्वल टू ए प्लस bx निकाला, फिटिंग हो गई, काम खत्म. ठीक है, क्या चले आगे, क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे. सो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8.
क्वेश्चन एट कह रहा है फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ ली स्क्वायर्स. सो पहले तो ईयर ले लिया हमने, ईयर टाइम टी, ठीक है. फिर सेल्स वाई लिख ली हमने यहाँ पे. सो ईयर लिखते हैं पहले तो 95 से लेके 2002, 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. फिर हमको वैल्यूज क्या दे रखे हैं, 6.7, 5.3, 4.3, 6.1, 5.6, 7.9, 5.8 and 6.1. ठीक है, ये वाय आ गई. अभी देखो ऑड नंबर ऑफ इयर्स है, इवन नंबर ऑफ इयर्स है, इवन नंबर्स है. 198.5 को ले लूं, ठीक है. सो 198.5 को लोगे तो एक्स वैल्यू मैं छोटे में लिख रही हूँ यहाँ पे. सो ये हो जाएगा -3.5, -2.5, -1.5, -0.5, +0.5, 1.5, 2.5, 3.5. xy निकाल लेते हैं हाथों हाथ ही. इधर नहीं कर रही मैं क्योंकि यार ट्रेंड वैल्यू निकाल नहीं रही, फिर कंफ्यूजन होएगा बार बार डबल करके लिखते जाओ. या तो ऐसा करो, या फिर आप करना चाहते हो तो डबल कर लो, पर फिर जब आप ट्रेंड वैल्यू निकालो तो हर x वैल्यू आपकी डबल हो जाएगी. मतलब 3.5 का 7 हो गया, 2.5 का 5 हो गया. या फिर इसको फिर आप x लिख लो और x डैश लिख लो और उसको फिर x लिख लेना, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो. पर अभी हम इसकी कोई रख लेते हैं सो दैट इजी रहेगी हमारी, आगे भी सीधा सीधा रहेगा. एक्स वाई वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया तो x इंटू वाई 3.5 × 6.7 −23.45. चेक करो नेक्स्ट, 2.5 × 5.3 13.25 −6.45. नेक्स्ट देखो, −0.5 × 6.1 3.05. ये तो आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दो, 2.8 सही लिखा है, 7.9 × 1.5 11.85. फिर 5.8 × 2.5 14.5 एंड लास्ट 6.1 × 3.5 21.35. ठीक है, क्या ये एक्स वाई आ गया. अब हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर भी. सो ये तो हो जाएगा, आप ये तो आपको याद भी हो जाएगा वैसे तो, 3.5 का स्क्वायर भी याद रहेगा. 12.25, 6.25, 2.25, 0.25, 6.25, 2.25, 6.25 and 12.25. इसका सम टोटल अभी ऊपर निकाला था 21 आ रहा था, नहीं 42 आ रहा था, 42 हाफ सम 21 आ रहा था, 42. ये सम टोटल कितना हो जाएगा, देखो क्या हुआ, आयुषी प्लस में 4.3 आ रहा है, चेक कर लो, पॉजिटिव 4.3 आ रहा है. एक्स तो जीरो हो ही रहा है, समेशन वाई और कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे. समेशन वाई इज 47.8, चेक कर लीजिए एक बार. ठीक है, नेक्स्ट चले आगे. नाउ ए और बी निकालते हैं. सो ए इक्वल टू समेशन वाई बाय एन 47.8/8 क्या हो जाएगा, 5.975 सही है. नेक्स्ट बी की वैल्यू समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो एक्स वाई 4.3/42 0.1 समथिंग कुछ होएगा, 43 और 42 रह रहा है, सो 0.10. हमारी इक्वेशन क्या बन गई, y ट्रेंड इक्वल टू 5.975 + 0.102 × x वैल्यू. अभी देखो x की वैल्यू -3.5 पुट करेंगे, y t कितना आया था 5.975 + 0.102 × x. x की वैल्यू पहले -3.5 पुट करेंगे, इधर से हमारी y की वैल्यू देखो क्या निकल रही है, 5.975 + 0.102 × -3.5 it will come around 5.62. check कर लो, ये 5.62 आया, फिर 5.72 increase ही होएगा क्योंकि 1 है ना, फिर 5.82, फिर हो जाएगा 5.92. फिर check कर लीजिएगा next वाला change हो रहा है, plus हो रहा है यहाँ पे, तो इधर हो जाएगा 6.03, 6.13, 6.23 and 6.25.
33, चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार. सो दिस इज हाउ वील कैलकुलेट आर वाई ट्रेंड वैल्यू. सो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, देखो यहाँ पे स्पेसिफाइड था ना, जैसे कि टेब्यूलेट की ट्रेंड वैल्यूज. अच्छा, जरूरी नहीं है सारी ट्रेंड वैल्यूज आपसे पूछे, कोई स्पेसिफिक ईयर की भी पूछ सकता है, एंड हेंस फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर. सो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने एक केस बेस में दिया है आपको, ये केस बेस स्टडी दे रखी है. टू फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ ली स्क्वायर, सब कुछ कैलकुलेट करके दिया है भाई ने, ठीक है, सब कुछ दे रखा है, एक्स वाई तक दे रखा है. समेशन एक्स वाई निकालो, समेशन वाई निकालो, समेशन एक्स स्क्वायर निकालो, काम हो जाएगा, ठीक है. सो निकालते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन, सब कुछ दे रखा ही है, हम तो सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं यहाँ पे, अब सॉल्विंग पे. क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भाई ए निकाल लो पहले, तो समेशन वाई, समेशन वाई देखो क्या आ रहा है, बाय एन, एन इज 7, 972. सो 972 बाय 7 कितना आ रहा है, देखो 138.86 आ रहा है, चेक कर लो. नेक्स्ट समेशन एक्स वाई चेक करो क्या आ रहा है, और समेशन एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर तो देखो इजी है, 28 आ रहा है सीधा सीधा, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 into 2 28, ये तो सीधा सीधा हो गया. अब समेशन एक्स वाई देख लो क्या आ रहा है, 214 चेक करो, ठीक है. अब इधर से बी वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि एनी वेज वो सब पूछेगा तो सही, तो पहले बी वैल्यू भी हाथों हाथ निकाल के रख लेते हैं. सो कितना हो गया, 214 बाय 28 कितना आ रहा है, देखो 107 बाय 14 आ रहा है, 7.6, ठीक है. क्या हमारे पास बी आ गया, एक्स आ गया, ए आ गया, तो पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ, वाई इक्वल टू कितना आ रहा था, 138.86 प्लस 7.64 इंटू एक्स, ये तो अपना काम हो गया. अच्छा अच्छा, ए की वैल्यू पूछिए सबसे पहले, तो ए की वैल्यू तो हो गई आपकी 138.86, बी की वैल्यू हो गई 7.64, ट्रेंड इक्वेशन लिख लो. देखो एक काम किया, 5 नंबर आ गए सीधे सीधे. अब इसने पूछा है द ट्रेंड वैल्यू फॉर ईयर 2015 एंड फॉर 18. तो देखो 2015 के लिए एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, ठीक है. सो हम निकालते हैं वाई फॉर 2015. सो 138.86 प्लस 7.64 इंटू -3, एक्स वैल्यू यहाँ पे -3 इसकी 1.78. आर यू श्योर, तो भी नहीं माइनस होएगा ना, 138 माइनस समथिंग कुछ होगा, तो 138 से छोटी वैल्यू आएगी ना, सोचिए. डी आ रहा है, 138.86 कैसे आ सकता है बहन, माइनस भी तो हो रहा है. सी 115.94 आ रहा है, चेक कर लीजिए एक बार, ऐसे रैंडमली थोड़ी ना करना है यार. देखो मैं वैसे लॉजिकली भी बताऊँ, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही सॉल्व कर लो, क्योंकि वैल्यू देखो माइनस हो रही है, हमको दिख रहा है, सो ऑब्वियसली 138.86 से तो छोटी आएगी, ठीक है. अब पहले देखो ऑप्शन में कौन सी वाली छोटी वैल्यू है, सिर्फ एक है 115, वही आंसर है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, समझ गए. नेक्स्ट एमसीक्यूज का यही फायदा होता है कि आपको उसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है. नेक्स्ट द ट्रेंड वैल्यू फॉर ईयर 2018 के केस में देखो आपका जीरो है, जीरो है तो इसका आंसर क्या होगा, 138.86. सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, यूज योर लॉजिक व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज. ऑलराइट, इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ दिस कंप्लीट्स द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स टाइम सीरीज एनालिसिस क्वेश्चंस. इंडेक्स सीरीज तो यही नहीं है, टाइम सीरीज एनालिसिस क्वेश्चंस. और ये वेराइटीज आपकी अच्छी खासी होती है, मतलब इसमें से 5 मार्क की कैटेगरी बन सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा चैप्टर 6 मार्क की वेटेज का है, तो 1 मार्क 2 मार्क 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत रेयरली बनता है. 2 मार्क 3 मार्क में 3 ईयर मूविंग एवरेज बनता है, और फिर वही आपका 4 ईयर, या फिर 3 मार्क में आपका 4 ईयर मूविंग टोटल बन जाएगा, 3 ईयर में आपका 5 ईयर मूविंग टोटल तक बन जाता है. उसके बाद अल्टीमेटली अगर फिटिंग मेथड का होता है तो आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है लाइन निकालने को, और अगर ट्रेंड वैल्यूज भी निकलवा रहा है तो 5 मार्क्स का. मैंने आपको केस बेस्ड क्वेश्चन एक दिया, ऐसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, बट दे आर ऑल ऑन ली स्क्वायर मेथड ओनली. सो केस बेस्ड क्वेश्चन आपके ली स्क्वायर मेथड से ही बनते हैं ज्यादातर, ठीक है. क्या इज दिस क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज, टूडे सीरीज, विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया सी यूनिट है, और बहुत ही अच्छी वाली फ्री की यूनिट है, जो कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों में ही सेम रहती है. इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो यूटिलाइज इन योर फ्यूचर लाइफ एज वेल. अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम
हम सीए भी करेंगे ना आगे तो ये यूज होता ही है, बिकॉज इट इज बेसिकली द मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. और हर बिजनेस यही चाहता है कि हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करें सो दैट वी गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट, या फिर हम उसके अंदर कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें सो दैट मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाए. सो ये क्या है, ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम यूज करते हैं. यार हमारे पास कई बार पॉकेट मनी लिमिटेड रिसोर्स में होती है, पॉकेट मनी घर वाले फिक्स अमाउंट देते हैं इतना ही रुपया मिलेगा तेरे को. अब आपके पास दो ऑप्शन है, पार्टी ए में जाना है पार्टी बी में जाना है, इसका इतना पास है उसका उतना पास है, कैसे सेट करूं. सो यू ऑल्सो फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स राइट. स्कूल में एग्जाम्स में भी आपको ऐसे ही करना होता है, मार्क्स कैसे स्कोर करूं, ये चैप्टर मेरा वीक है तो किस इसको कितना टाइम दूं कि मैं इससे फुल मार्क्स गेन कर पाऊं और इससे मैं सिर्फ ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूं. सो दीज आर ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ठीक है. सो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं. और आप कभी बोलो कि मैम कहाँ यूज आती है, तो ये हर जगह यूज आती है. इट इज नॉट ओनली इन योर मैथ्स, इट्स नॉट ओनली इन योर अप्लाइड मैथ्स, ये आपको आगे भी मिलेगी. पर्ट सीपीएम ये सब कुछ नहीं है, ये आपके ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स ही होते हैं ठीक है. सो हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे. हमारे सिलेबस में तीन प्रकार की प्रॉब्लम्स ही हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, डाइट प्रॉब्लम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स. तीनों ही बहुत बढ़िया हैं ठीक है. छोटा क्वेश्चन आता है तो एलपीपी सिर्फ फॉर्मुलेट करनी होती है, बड़ा क्वेश्चन आता है तो ग्राफिकल सोल्यूशन भी निकालना होता है. दो प्रकार के ग्राफिकल सोल्यूशन है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड राइट. इज दिस क्लियर एवरी वन? सो हियर वी विल स्टार्ट विद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स नाउ. Now this unit is a Frege unit and it carries 8 marks की वेटेज. बहुत ही बढ़िया होती है यार, पाँच और तीन का सेट होता है या पाँच दो एक का होता है सेट, जनरली पाँच नंबर का बनने के चांसेस होते हैं ठीक है. बहुत रेयरली ऐसा होता है तीन तीन दो, तीन के तीन क्वेश्चन हो गए, तीन तीन दो बन गया, ऐसे कुछ बन गया, बट जनरली इसमें यही टेंडेंसी है, एक पाँच नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है और ज़्यादातर ग्राफिकल सोल्यूशन होता है. फाइव मार्क्स का बन रहा है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्राफ होती है. अच्छा, ज़्यादातर केसेस में बाउंडेड सोल्यूशन आंसर आने के ही चांसेस होते हैं, बहुत रेयरली डू वी गेट अनबाउंडेड रीजन एज ए सोल्यूशन रीजन ठीक है क्या. चलिए देखते हैं हम लोग इसके अंदर तीन प्रकार की प्रॉब्लम्स देखेंगे. हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं जिसे हम जनरली जेड से डिनोट करते हैं और जो हमारा या तो मैक्सिमाइजेशन का होता है या मिनिमाइजेशन का होता है. प्रॉफिट्स हुए, सेल्स हुई, इनको हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे ठीक है. कॉस्ट हुई, एक्सपेंडिचर हुआ, इनको हम जनरली मिनिमाइज करेंगे. यूज योर लॉजिक ऑल्सो समटाइम्स, जरूरी नहीं हमेशा स्पेसिफाइड हो ठीक है. सो यूज योर लॉजिक, कोई चीज़ को कम मैक्सिमाइज करना होता है, कोई चीज़ को कम मिनिमाइज करना होता है राइट. सो वी हैव एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक है, विच इज सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स. जैसे हमारे पास भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि भाई वी हैव टू हैव ओनली दिस मच अमाउंट एज आ पॉकेट मनी, इतना ही यूज करना है, ये ही मेरे पास अवेलेबल है. सो सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे होते हैं, ज़्यादातर पहला तो एक नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट ही चलता है क्योंकि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम लोग यूनिट्स, प्रोडक्शन ठीक है, अमाउंट इनसे डील करते हैं. तो ज़्यादातर हमारा क्या रहता है, एक नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट साथ में चलता है कि हमारे जो वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे. जैसे ही नॉन नेगेटिव पे आते हो हमेशा आपका सोल्यूशन कहाँ आ जाता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड थर्ड फोर्थ से कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है. सो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, सो योर एंटायर सोल्यूशन विल लाई इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट. सो चलिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हो गए. मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर मशीन रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, कि कोई मशीन इतने घंटे काम कर सकती है उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगी ठीक है, या फिर आप कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो यार खेत में इतना ही फर्टिलाइजर डाल सकते हो, इससे ज्यादा डालोगे तो हमारा खाना जहरीला हो जाएगा. सो ऑल दीज आर कंस्ट्रेंट्स विच आर रिलेटेड टू मशीन, विच आर रिलेटेड टू अमाउंट, विच आर रिलेटेड टू द क्वांटिटी, विच आर रिलेटेड टू मनी ठीक है. टाइम रिलेटेड कंस्ट्रेंट, कि हम इतना ही टाइम इसको यूज कर सकते हैं, हम इतने ही टाइम के लिए टीवी देख सकते हैं. मनी रिलेटेड, मैं इस पर इतना ही पैसा खर्च करना चाहती हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं है. दीज आर ऑल मनी रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स राइट. एज एंड व्हेन वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस वी विल गो विद द वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स. नाउ वी हैव सोल्यूशन, देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ सोल्यूशन इन योर सिलेबस विच इज ग्राफिकल मेथड. सो ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको हम. सो ग्राफिकल सोल्यूशंस ऑफ एलपीपी क्या बोलते हैं, कि आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे फिर एक फीजिबल रीजन निकालोगे. द फीजिबल रीजन मे बी बाउंडेड और इट मे बी अनबाउंडेड.
ठीक है, बाउंडेड आ रहा है तो वील सी द कॉर्नर पॉइंट मेथड, याद है ना कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सारे कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं हमारे बाउंडेड रीजन के, हर पे जेड की वैल्यू निकालते हैं, वहीं पे या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम, मतलब वॉट एवर यू रिक्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अनबाउंडेड रीजन आ जाता है तो क्या करते हैं हम, चेक करते हैं कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू और कोई पर्टिकुलर पॉइंट उनमें कॉमन आ रहा है क्या। कॉर्नर पॉइंट मेथड तो यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे और फिर कॉमन पॉइंट चेक करेंगे दैट देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन बिटवीन देम। सो वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ओनली, ऐसे अनबाउंडेड का कोई थ्योरी नहीं लिख पाएंगे हम लोग। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन हम लोग फॉर्मुलेशन के देखते हैं एंड देन वी विल मूव हेड टू ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है z इक्वल टू 20x1 प्लस 20x2, यहाँ वेरिएबल का नाम x1 x2 है, नॉट y1 y2 और y x y, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स ये। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालने हैं तो कंस्ट्रेंट भूल जाओ, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, चार कॉर्नर पॉइंट दे रखे, सीधे z में पुट करो जिसपे मिनिमम वैल्यू और ये आंसर है, करो। सो 80 पे देखो z क्या आ रहा है, 160, फिर देखो इस पे क्या आ रहा है 125, इस पे कितना आ रहा है 115 और इस पे 200, हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है 115 आ रही थी आपकी सी ऑप्शन 7294, सीधा है, डोंट गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस, डायरेक्ट आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स, लीनियर कंस्ट्रेंट्स है उससे कॉर्नर पॉइंट्स भी निकाल के दे दिए भाई ने। ठीक है, ये 1-1 मार्क क्वेश्चंस ही है। सो कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के दे दिए, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस, ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, सो हमें पता है द मैक्सिमम वैल्यू विल ऑलवेज अकर एट दी कॉर्नर पॉइंट्स, निकालते कॉर्नर पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू, फर्स्ट वाले केस में तो 0 हो गई, सेकेंड वाला 0-40 में कितनी हो गई 120, 20-40 में कितनी हो गई 200, 60-20 में 300, ये तो सबसे ज्यादा हो गई, और दूसरी वाली 240, सो मैक्सिमम वैल्यू इज अकरिंग एट 60-20 एंड द मैक्सिमम वैल्यू पूछी उसने, सो इट इज 300 occurring at 60-20, ठीक है क्या। नाउ वी हैव अ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन की प्रॉब्लम दी है मैंने, क्वेश्चन पढ़ेंगे, अ फर्म हैज टू ट्रांसपोर्ट एट लीस्ट, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी नहीं है तो नॉर्मल प्रॉब्लम ही है पहले, ठीक है कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम ही है। नाउ अ फर्म हैज टू ट्रांसपोर्ट एट लीस्ट 1200 पैकेजेस डेली यूजिंग लार्ज वैन्स विच कैरी 200 पैकेजेस ईच एंड स्मॉल वैन्स विच कैरी 80 पैकेजेस ईच, तो मतलब लार्ज वैन 200 ले जा सकती है और स्मॉल वैन 80 ले जा सकती है, और हमको एटलीस्ट 1200 पैकेजेस हर रोज ट्रांसफर करने हैं। कॉस्ट ऑफ एंगेजिंग ईच लार्ज वैन इज 400 एंड ईच स्मॉल वैन इज 200, नॉट मोर देन 3000, मतलब ये मेरा मनी कंस्ट्रेंट है, मैं 3000 से ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहती हूँ। ठीक है, सो नॉट मोर देन 3000 रुपीज कैन बी स्पेंड ऑन द डेली जॉब and the number of large vans cannot exceed the number of small vans, so large vans hamesha kam hi honi chahiye small vans se. Now formulate this LPP to minimize the cost, for the objective to minimize the cost. theek hai, so question 3, pehle to aisa karte hain number of large vans aur small vans naam de dete hain, so let the number of large vans we are using is x be x and small vans kitni ho jayengi fir, सो ये तो आपका क्या है रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम ही है, मैन्युफैक्चरिंग और रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ व्हाट इज सेइंग, पहली चीज मिनिमाइज से पहले तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं, सो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, सो मिनिमाइज ऐसे लिखते हैं जेड इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, पैसा कितना लग रहा है देखो, 400 रुपये लार्ज वैन का और 200 रुपये स्मॉल वैन का, तो 400 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू वाई, एक वैन का 400 है तो एक्स वैन का हो जाएगा 400x और एक वाई का 200 है तो y का हो जाएगा 200y, ये आपका मिनिमाइजेशन फंक्शन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कंस्ट्रेंट्स बताने हैं आपको, कंस्ट्रेंट्स पहला कंस्ट्रेंट, मुझे मिनिमम कितने 1200 पैकेट्स तो ट्रांसफर करने ही हैं, तो लार्ज वैन एक बार में 200 पैकेट ले जा रही है और स्मॉल वैन एक बार में 80 पैकेट लेके जा रही है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1200, करेक्ट और नॉट। इधर से आप इसको छोटा मतलब सिंप्लीफाई कर लो, हम ऐसा करते हैं 10 से डिवाइड कर 40 से डिवाइड करते हैं, सो ये कितना हो गया 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये क्या है कौन सा कंस्ट्रेंट है आपका, पैकेजेस का कंस्ट्रेंट। ठीक है, पैकेजेस कंस्ट्रेंट। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था, 3000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करूंगी। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट इन द डे शुड बी लेस देन इक्वल टू 3000, कहने का मतलब 400x प्लस 200y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू
3000 ऐसा करते हैं, इसमें भी डिवाइड करते हैं तो दो जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 200 से डिवाइड करते हैं तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, यस और नो? ये हो गया आपका कॉस्ट, मनी रिलेटेड कॉस्ट कंस्ट्रेंट। और तीसरा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट हमेशा वैलिड रहेगा, एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चौथा एक कंस्ट्रेंट और था, लार्ज वैन्स कैन नॉट एक्सीड दी स्मॉल वैन्स, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू वाई। गॉट इट? ठीक है क्या? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन की थे ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अगेन दिस इज डाइट रिलेटेड क्वेश्चन। सो अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू काइंड्स ऑफ फूड्स एक्स एंड वाई इन सच अ वे दैट द मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 12 यूनिट्स ऑफ बी एंड 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। द विटामिन कंटेंट्स ऑफ 1 केजी ऑफ फूड इज गिवन बिलो ऑलरेडी टू यू। 1 केजी ऑफ एक्स फूड कॉस्ट 24 रुपीज एंड वाई कॉस्ट 36। यूजिंग एलपीपी फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द टोटल मिक्सचर व्हेन व्हिच विल कंटेन द रिक्वायर्ड विटामिन। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली ऑल्सो। सो आपको ग्राफ पेपर क्वेश्चन वहाँ पे देंगे, वो ऐसा नहीं नहीं देंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, लेट द अमाउंट ऑफ और द यूनिट ऑफ फूड एक्स, क्योंकि एक्स की प्राइस रखे और वाई की प्राइस रखे तो कॉस्ट फंक्शन एक्स और वाई से बनेगा। सो लेट यूनिट्स ऑफ फूड एक्स बी एक्स एंड फूड वाई बी वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाइए, कॉस्ट फंक्शन है तो मिनिमाइज होगा, मिनिमाइज जेड इक्वल टू कितने रुपए का है, 24 रुपए, 24x प्लस 36y, सही है कि नहीं है बताइए। नेक्स्ट अभी चलते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। सो कंस्ट्रेंट्स देखिए, सबसे पहला तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट ही बना लो, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो कितना कितना विटामिन चाहिए, देखो विटामिन ए कितना चाहिए, एटलीस्ट मतलब मिनिमम इतना चाहिए, तो 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो एक्स फूड में 1 आ रहा है और वाई फूड में कितना आ रहा है, 2, तो 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये विटामिन ए कंस्ट्रेंट हो गया। विटामिन बी कंस्ट्रेंट क्या है, 2x प्लस 2y टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। एंड विटामिन सी कंस्ट्रेंट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए कंस्ट्रेंट तो ये हो गया, ए कंस्ट्रेंट हो जाएगा x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ए कंस्ट्रेंट ये हो गया। एक कंस्ट्रेंट आपका c से आ जाएगा, कितना यूनिट्स ऑफ c, 8 यूनिट्स, तो 3x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये आपका सी विटामिन से कंस्ट्रेंट आ गया और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट चल रहा है। लेट्स मेक द ग्राफिकल सॉल्यूशन। आता है आप लोगों को ग्राफ बनाना, हम लोग इनको इक्वेशन ऑफ लाइन समझ के करेंगे। सो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आई थी, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। आपको मैंने बनाने सिखाए x और y पॉइंट्स बनाइए, x को 0 रखा, y हो गया 5, ठीक है, y को 0 रखा, x हो गया 10, ठीक है। फिर दूसरी है x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली, एक्स वाई 0 6 6 6 0, करेक्ट। और लास्ट एक और कौन सी थी, 3x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 8, है ना, इधर से बनाओ एक्स वाई, एक्स 0 रखा, y हो गया 8, y 0 रखोगे तो x हो जाएगा 8/3, चेक करो, ठीक है। ऐसा करते हैं, आप हमारी पॉइंट्स बना लेते हैं यहाँ पे। सो 1 टू 10 तक चाह रहा है ना, x की वैल्यू 1 टू 10 तक और y की वैल्यू, सो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और x की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार देख लो 8/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 2.67, है ना। सो उसके हिसाब से हमको इसमें बनाना रहेगा। चलिए फटाफट से ग्राफ बनाते हैं। पहला है x प्लस 2y इक्वल टू 10 का, सो ये हो जाएगा 0 5, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, और दूसरा हो जाएगा 10 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। सो हमारी लाइन क्या बन गई, देखो हमारी लाइन बन जाएगी ये, यार मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी ये वाली, अगर मैं इसको इरेज करके बना सकती हूँ वापस, ठीक है। नेक्स्ट x0 y6 y0 x6, तो ये पॉइंट ऐसे सीधा सीधा ही मार्क कर लो ये तो, और एक डायगोनल लाइन बनानी है आपको, सो एक ट्रायंगल बन जाएगा ये तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ रही है 3x plus y equal to 8, तो एक तो x0 y8 और एक ये 2.67 के आसपास आ रही है ना, तो ये यहाँ पे बना लेते हैं एक पॉइंट,
ठीक है, और अब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो मेरी ज्वाइनिंग लाइन ये है। अब फीजिबल रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, सो फीजिबल रीजन बात करो तो क्या बन रहा है। देखो पहला वाला है सब कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ठीक है। सो देखो 2x + 2y, इसमें 0 0 चेक कर लेते हैं, 0 0 क्या ग्रेटर देन 10 है? नो, सो इट इज ऑपोजिट साइड। सो हमारे पास ये मार्कर हमारा और ये वाली लाइन ना, तो इधर की तरफ का है हमारा रीजन, दिस रीजन करेक्ट, इस लाइन के ऊपर का रीजन। नेक्स्ट आ रहा है हमारा x + y = 6, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अगेन ये वाले भी ऊपर की तरफ जाएगी, तो 6 6 वाली का है मेरी, ये वाली लाइन थी 6 एंड 6, ये वाली लाइन, ठीक है। फिर आ रही है हमारी 3x + y > 8, अगेन ऊपर की तरफ ही आ रही है, ये वाली इस तरफ की आ रही है। तो बताओ सरा कौन कौन से पॉइंट्स अकर कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये अनबाउंडेड रीजन ही सोल्यूशन आ रहा है एक तो पहली चीज, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे शेडिंग कर देती हूँ, ये है। अब हमको कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, ये हमारी फीजिबल रीजन आ गई है, ठीक है। और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है तो ये इस तरफ पे आएगा, ये दिखाना जरूर हमेशा वाई एक्सिस के इस तरफ करके जरूर दिखाइएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसके कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करने रहेंगे। सो कॉर्नर पॉइंट्स देखो क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे एक बार, पहला तो यही आ रहा है ए पॉइंट 0.8, सही है। फिर ये वाला पॉइंट आ रहा है आपका एक, इसको नाम दे देती हूँ बी पॉइंट। फिर आ रहा है आपका ये वाला पॉइंट सी पॉइंट, ठीक है। और फिर आ रहा है आपका ये वाला पॉइंट विच इज डी पॉइंट विच इज 10.0। अभी देखिए बी और सी आपको कैलकुलेट करने रहेंगे। देखो बी कौन सा है, बी इज लाइन इंटरसेक्शन ऑफ 8/3, ये वाली 3x + y और कौन सी वाली है 6 वाली, x + y = 6। तो हमको इन दोनों को सॉल्व करना रहेगा। सो x + y = 6 एंड 3x + y = 8। सॉल्विंग दीज टू, ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, -2x = -2, सो x की वैल्यू आ गई 1, x 1 हो गया तो y क्या हो गया 5। सो इधर देखो b पॉइंट क्या हो गया 1.5, c पॉइंट निकालोगे 2x + y का है एक तो, और एक कौन सी है 6 6 वाली है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ 6 6 वाली और 2x + y, sorry x + 2y। So, x + 2y = 10 एंड x + y = 6। दिखाना होता है आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, y = 4, y की वैल्यू 4 आ रही है तो x की वैल्यू 2 हो गई, 2 6 आ रहा है ना टोटल, कैसे तो फिर 2 4 ही तो होगी, 6 - 4, अरे सीधा सीधा देखना यार, ये रहा ये 4 आ रही है तो 1 2 हो गई ना, सी क्या हो गया 2.4 करेक्ट, हाँ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालते हैं। सो z की वैल्यू निकालते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि अनबाउंडेड रीजन आ रहा है तो सब आपको आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी प्लॉट करना रहेगा। पहले हम लोग z निकाल लेते हैं यहाँ पे, सो z निकालती हूँ, z वैल्यूज एट द वेरियस वैल्यूज। सो a मैं ऊपर निकाल रही हूँ, यहाँ पे निकाल लेती हूँ, चलेगा। एट पॉइंट a z की वैल्यू क्या आ रही है 0.8। देखो z क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 24x + 36, तो a तो हो गया 24x + 36, देखो y कितना आ रहा है 288। नेक्स्ट एट b, b क्या है 1.5 है ना, z वैल्यू देखो क्या आई 36 × 5 = 57 कैसे आ सकती है, 9 भी कैसे आ सकती है, अच्छा हाँ 6 5 से 30 होएगा ना, नहीं 4 आएगी, इवन वैल्यू आएगी, चेक करो कैलकुलेशंस, ऐसे रैंडमली आंसर मत करो, 204 चेक करो, 180 हो जाएगा वो, 36 5 180 और फिर उसके बाद 24 ऐड कर दो। फिर सी पे, सी क्या है 2.4, तो जेड वैल्यू देखो कितनी आई 2.4, 19 192, ओके। एंड डी पॉइंट कितना है, ये तो बहुत आसान है, क्या था 10.0। तो यार जेड देखो मिनिमम कहाँ आ रहा है 192 पे, पर अभी इसको आपको चेक करना रहेगा। सो 24x + 36y = 192 की बनाते हैं हम पहले, 24x + 36y = 192। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, पहले चेक कर लो, हाँ 8 से डिवाइड हो जाएगा, 3 है नहीं, 8 से नहीं 4 से करना पड़ेगा इसको, यार 12 से हो सकता है क्या, देखो 12 से हो रहा है क्या, 192 12 सा, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। 2x + 3y = 12 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है 1616, हाँ
हाँ 72 6 72। अभी देखो 2x + 3y 16 आ रहा है, ऐसा करते हैं x और y वही टेबल बनाते हैं, x को 0 रखा y की वैल्यू हो गई 16/3 करेक्ट, और y को 0 रखा x की वैल्यू हो गई 8 करेक्ट, सही है। 16/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.33 वैल्यू हुई, और x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट तो ये आ गया मेरा, और ये कितना हुआ 5.33। 5.33 मतलब 5 और 6 के बीच में कुछ, तो ये पॉइंट ठीक है। अब मैं इसको अभी अभी के लिए मेरा कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको है ना डॉटेड से जोड़ी हूँ आपके लिए। अभी देखो आप देख सकते हो कि ये तो वैसे ही इस तरफ ही लाई कर रही है, मतलब देयर इज नथिंग इन कॉमन। आप चेक कर लो इसमें इट शुड बी, ये 24x + 36y शुड बी लेस देन इक्वल टू 192, तो चेक करो तो इसका फीजिबल रीजन जो आ रहा है ना डॉटेड वाले का वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, और हमारा जो आंसर आया है वो ऊपर की तरफ आया। चेक करो हमारा क्या आंसर आया है, इस तरफ, और इसका फीजिबल रीजन जो आया है वो इस तरफ, तो इसका मतलब इससे कम वैल्यूज के पॉइंट सारे इस तरफ हैं, तो हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से हमारे वाले में कोई भी पॉइंट कॉमन में नहीं है, सो द मिनिमम वैल्यू विल अकर एट सी, ठीक है क्या। सो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 192, कितनी थी 192 172 192, गॉट इट, समझ आया क्या। अनबाउंडेड जब भी आता है तो ऐसे करना होता है, बाउंडेड आया तो सीधा सीधा कॉर्नर पॉइंट निकाले जिसपे मिनिमम जिसपे मैक्सिमम, वो आंसर है, ठीक है। अनबाउंडेड होगा तो एक एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करनी पड़ती है, पर वो प्लॉटिंग कब होगी, जब आप सब पे जेड निकाल लोगे और जो मिनिमम वैल्यू होगी ना उसको लगा के लगाना, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लगाना रहेगा। नहीं मैक्सिमाइज करनी होती, मतलब आप क्या चाह रही हो 24x + 36y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 192, तो उस केस में आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अभी मेरी क्या कोशिश है कि ऐसा कोई पॉइंट और है क्या जिसपे 24x + 36y इज लेस देन इक्वल टू 192, मेरा रिक्वायरमेंट यही था 192 मैक्सिमम, इससे छोटी है क्या कहीं पे, तो हम वो ढूंढ रहे थे, तो इससे छोटी जो है ना वो सारी हमारे फीजिबल रीजन के ऑपोजिट साइड है, तो देर इज नथिंग इन कॉमन, सो दैट मीन्स माई आंसर और माई सोल्यूशन विल एग्जिस्ट ओनली एट सी, ठीक है क्या। ऑप्टिमम प्रोडक्शन विल बी एट सी और ऑप्टिमम मैक्सिमम विल बी एट सी, गॉट इट, समझ आई ये चीज, समझ आया अनबाउंडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब सारे क्वेश्चन में एलपीपी फॉर्मुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, बाकी सब तो ठीक है। अ मैन्युफैक्चरर, नाउ अगेन दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्टील ट्रंक्स, ही हैज टू मशीन्स ए एंड बी, ठीक है। द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रंक रिक्वायर्स 3 hours ऑफ मशीन ए एंड 3 hours ऑफ मशीन बी, एंड द सेकंड टाइप रिक्वायर्स 3 hours ऑन ए एंड 2 hours ऑन बी। मशीन ए एंड बी कैन वर्क एटमोस्ट फॉर 18 hours एंड 15 hours पर डे। सो इनके अंदर मशीन कंस्ट्रेंट क्या है कि ए को आप 15 hours और बी को आप 18 hours के लिए ही काम में ले सकते हो। नेक्स्ट, ही अर्न्स रुपीज प्रॉफिट ऑफ 30 rupees ऑन ट्रंक ए ऑफ फर्स्ट टाइप एंड ट्रंक ऑफ सेकंड टाइप पे उसको 25 rupees का प्रॉफिट। फॉर्मुलेट एन एलपीपी एंड फाइंड आउट हाउ मेनी ट्रंक्स ऑफ ईच टाइप ही मस्ट मेक सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। सही भी बात है, प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइजेशन पे ही लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे बहुत आसान सी बनेंगी आपकी एलपीपी प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, फर्स्ट टाइप ट्रंक मान लेते हैं, फर्स्ट टाइप का ट्रंक क्या हो गया एक्स, और सेकेंड टाइप मान लेते हैं हम लोग कि वाई ट्रंक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, सो हमें जेड हमें प्रॉफिट कितना मिलता है 30 rupees फॉर फर्स्ट टाइप, 30x + 25y ऑन सेकेंड टाइप, ठीक है क्या। ना ये वाले क्वेश्चन आप क्लास में प्रैक्टिस कर लीजिए, बट दैट्स इट, और इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं होगी, हमने सारे वैराइटीज कवर कर लिए, ठीक है। सो बस ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा एंड यू आर डन फॉर दिस चैप्टर। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, घर पे बैठे ग्राफ पेपर लेके खींचने मत बैठ जाना लाइन है, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दूसरा कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं ना, बट ये वाला टॉपिक अभी क्लास में कंप्लीट करके फिनिश वाइंड अप ही कर देना बस इसको, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, सो यहाँ पे मैक्सिमाइज फंक्शन हो गया, कंस्ट्रेंट्स लिख लेते हैं। मशीन ए का कंस्ट्रेंट है, मशीन बी का कंस्ट्रेंट है। मशीन ए पे 3 चाहिए और बी को भी सेकंड, बी को कितना चाहिए, मशीन ए पे 3 hours ही चाहिए, और ए मशीन कितना काम करेगी 18 घंटे। सो 3x + 3y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 18, सो x + y < 6। ऐसा वाला आता है ना, मुझे बहुत मजा आता है प्लॉट करने में, बहुत सीधे सीधे होते हैं 0 6 0 6 0, बहुत आसान रहती है इसकी मैनिपुलेशंस। नेक्स्ट, मशीन बी बोलता है 3 घंटे तो हमको ए वाले ट्रंक पे चाहिए और 2 घंटे बी वाले ट्रंक पे चाहिए, सो इधर से क्या हो जाएगा 3x + 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 घंटे टोटल काम करेगी, ठीक है। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और तीसरा आपका नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट विच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ लेट्स मेक द वेरियस पॉइंट्स फॉर एक्स प्लस वाई, ये तो सीधा सीधा हो गया, और इसके केस में बनाओगे तो 7/2, एक तो बन जाएगा 15/2 व्हेन एक्स इज 0, बना ही लेती हूँ डायरेक्टली, ऐसे ही चला देती हूँ, फॉर्मुलेट नहीं करनी है,
फाइंड आउट हाउ मेनी ट्रंक्स ऑफ ईच टाइप ही मस्ट मेक टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो यहाँ बना लेते हैं हम लोग, बहुत ईजी है, ऐसा तो कुछ नहीं है. इसके वाली बना देती हूँ मैं तो, बस एक्स से वाई, इसके वाले की तो बनाने की जरूरत नहीं है. एक्स एंड वाई, एक्स जीरो है, वाई की वैल्यू 7.5 और वाई जीरो है तो एक्स की वैल्यू हो गई 5. तो हमें 7.5 मैक्सिमम बनाना है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 काम आएगा, 7, 8, 7.5 काम आएगा. ठीक है, बस मेरे को इतने काम आएंगे इधर और इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चलो ठीक है, ये 6 है, यहाँ पे 7 है, 8 है और यहाँ पे एक 5 काम आएगा, 5. ठीक है, मैं सारे नहीं रिवील कर रही, आपको सब करने हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पे पहला तो हो गया 0, 6, 6, 0, तो एक तो यही बना लो सीधी सीधी. तो ये हमने लाइन इसको ड्रॉ कर दी और ज्वाइन कर दी, ये हमारी लाइन बन गई. और दूसरी है हमारी एक्स जीरो एस वाई 7.5 है, तो ये तो पॉइंट मैंने मार्क कर ही लिया था और ये 5 है. ठीक है, सो ये पॉइंट ऐसे आ रहा है. ठीक है, गॉट इट. नाउ देखते हैं हम लोग, हमारा एक तो है लेस देन वाला, तो इस तरफ ओरिजिन की तरफ है और ये वाला भी लेस देन है. सो माय आंसर विल बी दिस. देखो हमारा ये हो गया, हमारा फीजिबल रीजन इस तरफ का हो गया, दोनों हमारे ओरिजिन वाली साइड को कवर करेंगे और दूसरा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है. सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. अब आपको दोनों को सॉल्व करने के लिए आपका ये सेंटर पॉइंट निकालना होगा. सेंटर पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग बी. ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका सी, ये हो गया आपका 0.6, ये पॉइंट हो गया आपका ए 5.0 और एक ओ तो है ही कॉर्नर पॉइंट 0.0. ठीक है, बी निकाल लो दोनों को सॉल्व करके, 3.3 आ रहा है. सो बी इज 3.3. आप लोग ग्राफ पे ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना, तो कई बार आपको ग्राफ से भी थोड़ा सा अंदाज लग जाएगा. चेक कर लेना थोड़ा सा स्केल से और फिर पुट करके देख लेना, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी मतलब करने की. अब हम है ना, क्योंकि हमारा फीजिबल रीजन बाउंडेड आ रहा है, हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू चेक करेंगे. सो जेड वैल्यू हमारी 30x + 25y थी, तो पहले ओ 0, 0 पे जेड चेक करते हैं, तो जेड इज 0 हियर. देन ए इज 50 पे चेक करोगे तो आपका जेड बन रहा है 150, करेक्ट. फिर बी पे चेक करो 3.3, तो 90 और 75, z की वैल्यू आ रही है 165. और एट c 0.6, तो ये हो रहा है आपका z 150. सो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, सो मैक्सिमम विल अकर एट 3.3. सो ही मस्ट प्रोड्यूस इक्वल लेवल्स, है ना, 3 लेवल्स ऑफ ट्रंक ए एंड 3 लेवल्स ऑफ ट्रंक टाइप सेकंड टाइप. ठीक है, ऐसे ही दे रखा है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6. देखिए, अ सॉफ्ट कंपनी प्रोड्यूसेस सॉफ्ट ड्रिंक्स दैट हैव a contract which requires a minimum of 80 units of chemical A and 60 units of chemical B. Now, go into each bottle. ठीक है भाई, the chemicals are prepared, always prepared in mixed packets and two different suppliers. Supplier A has packet of mix of 4 units A and 2 units B and cost rupees 10. And the supplier T has packet of mix of 1 unit A and 1 unit B and cost 4 rupees. How many packets of mixes from S and T should the company purchase to honor the contract requirement and yet maintain the minimum cost? Make an LPP and solve graphically. राइट, सो हम लोग इसको मेक कर लेते हैं फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 7, 6, क्वेश्चन 6 बोल रहा है, मान लेते हैं सप्लायर एस से हम एस पैकेट्स, एस से जो है ना वो एक्स पैकेट्स ले रहे हैं और टी से वाई पैकेट्स ले रहे हैं. हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना रहेगा यहाँ पे. सो मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एस पैकेट इज 10 रुपीज, तो 10x + 4y हमारा मिनिमाइजेशन फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नाउ कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, तो हमें हमारे इसके अंदर यूनिट ए एंड टू यूनिट्स ऑफ बी, तो 4 इसके अंदर मेरे पास 4 यूनिट्स ए है, कितना आ रहा है 80 यूनिट्स इसमें, तो 4x + इसमें कितना है 1x 1y, है ना, तो 4x + y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 80 यूनिट्स. सिमिलरली इसमें कितना यूनिट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ बी आ रहा है और एक ही यूनिट इसमें, तो 2x + y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60. ये आपका हो गया पहला वाला ए का, मतलब ए का कंस्ट्रेंट, बिट क्या दे रखा है ये, केमिकल ए का कंस्ट्रेंट और केमिकल बी का कंस्ट्रेंट, और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कंटिन्यू रहेगा. सो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बनाइए फटाफट से एलपीपी. तो इसमें जब आप एलपीपी बनाओगे तो मैं एक्स और वाई वैल्यूज यहाँ पे कोट कर देती हूँ. एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, एक्स अगर 0 है तो वाई की वैल्यू 80 हो गई, वाई अगर 0 है एक्स की वैल्यू 20 हो गई. नेक्स्ट ये भी बहुत आसान है, एक्स और वाई ले लो, एक्स 0 है तो वाई 60 हो गया, y 0 है तो x 30 हो गया. बहुत ईजी सा बनेगा यहाँ पे आपका ग्राफ, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा मगजमारी नहीं है. ऐसा लेते हैं 10, 20, नहीं यार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 20, 40 लूँ, चलो ठीक है 20, 40, 60, 80 एंड 100. एक ही बात है यार, वो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ,
एक ही बात है, वन वन लाइन फॉर 10 10 ईच, ठीक है। एंड इधर हो जाएगा आपका सेम 20 30 40 60 80 एंड 100, ठीक है क्या। सो पहला है 0 80, सो 0 एंड 80, वाई इज 80 ये, और ये है 0 20 20 0, सॉरी। सो पहली लाइन तो आपकी ये वाली बन गई, ये वाला कंस्ट्रेंट, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 80, तो मतलब अनबाउंडेड रीजन की तरफ जाएगा। दूसरा, एक्स 0 है, वाई 60 है, और वाई 0 है, एक्स 30 है, मतलब यहाँ पे कहीं पे। सो दूसरा आपका जाएगा ये वाला, ठीक है। अभी देखो दोनों केसेस में अनबाउंडेड रीजन की तरफ ही जा रहा है आपका सोल्यूशन सेट। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। सो मान लेते हैं ये वाला तो हो गया आपका 0 80, ये कितना आ रहा है 10 40। देखो अंदाजन वैसे 10 बीच में ही आ रहा था, तो ये पी पॉइंट नाम दे देते हैं 10 40, और ये वाला पॉइंट आपका क्या था 30 30 0, सही है। ए पॉइंट नाम दे दिया इसको हमने। अब हम लोग पहले जेड वैल्यू निकालते हैं, और हमको जेड क्या था, कॉस्ट को मिनिमाइज करना था। सो जेड एट एवरी पॉइंट निकालते हैं। जेड एट कौन सा पॉइंट है सबसे पहला, तो ए पॉइंट 30 0, ए 30 0 पे क्या है जेड की वैल्यू देखो 300। नेक्स्ट बी पॉइंट पे देखो जेड की वैल्यू, बी पॉइंट क्या था 80 80, तो जेड वैल्यू देखो कितनी आ रही है 8 4 320, ठीक है। और एट पी पॉइंट 10 40 कितना आ रहा है 260, सो यहाँ जेड वैल्यू 260। अब देखो आपको मिनिमाइज करनी है, मतलब अब आपको कौन सी बनानी है, ये वाली 10x + 4y शुड बी लेस देन इक्वल टू 260। अब कोई पॉइंट हमारा इसके अंदर तो नहीं लाए कर रहा, हमको ये चेक करना है। सो ऐसा करो, इसको 4 से डिवाइड कर सकती हूँ क्या मैं, नहीं 4 से नहीं, 2 से ही हो पाएगा ये। सो 5x + 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 130। ऐसा करते हैं, वही टेबल बनाते हैं, दो पॉइंट्स बनाने ही पड़ेंगे। x को 0 रखो, y की वैल्यू आ गई 65, y को 0 रखो, x की वैल्यू कितनी हो गई 26, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, क्या लिखा मैंने, x0 y 65 और ये 26, y 65 मतलब यहाँ पे कहीं पे कुछ, और ये कितना था 26 मतलब यहाँ कहीं कुछ, यहाँ पे है ना ये पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ना, तो आप देखते हो कि ये यहाँ ऐसे जा रहा है। नाउ यू हैव टू चेक ये आपके में ग्राफ पेपर में सही बराबर आ जाएगा। आप देखोगे कि ये लेस देन, तो ये हमारा इस तरफ ओरिजिन की साइड में आ रहा है, सो दैट मींस माय परफेक्ट सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट ओनली एट पी, मिनिमम कॉस्ट विल लगता है पी, ठीक है क्या। आप चेक करना है, ये सब उसी तरफ ही निकल रहा है, हैं? हाँ सेम सेम सेम, पर हाँ हम लोगों को आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट स्पेसिफाई नहीं करना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। एट पी पॉइंट यस इक्वल प्रॉफिट, नो इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, ये आपको नहीं स्पेसिफाई। एट पॉइंट पी आप देखोगे वो दोनों इंटरसेक्ट करते, मतलब वो पी को क्रॉस करती हुई जा रही है, तो एट पी पॉइंट ये हमारा मिनिमम हो रहा है, और वही कॉर्नर पॉइंट है, सो वही मतलब सेम प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट, वो आप सही बोल रहे हो, पर यहाँ पे मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेवन्थ क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स M1, M2, M3 इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री, मशीन 1 एंड 2 आर केपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे चलाओगे, इससे कम ही चलाना है आपको, ठीक है। देन वेयर हैज मशीन 3 मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 घंटे, मतलब 3 को 5 घंटे मिनिमम चलानी, तो उसकी जंग लग जाएगी या वो खराब हो जाएगी, उसके पुर्जे काम नहीं करेंगे नहीं तो। द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस ओनली 2 आइटम्स ईच रिक्वायरिंग यूज ऑफ 3 मशीन्स, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर दीज मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ ए और बी, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 60 ऑन आइटम ए एंड बी ऑन 40 रुपीज, ही विशेस टू फाइंड आउट ईच आइटम ही शुड मैक्सिमम प्रॉफिट, फॉर्मुलेट इट एज एलपीवी, बस आपको फॉर्मुलेशन करना है। 3 मार्क का क्वेश्चन होता है फॉर्मुलेशन का, या फिर 2 मार्क्स का होता है, मशीन रिलेटेड होता है तो 2 मार्क्स ही होता है मैन्युफैक्चरिंग और डाइट का। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है, मान लेते हैं लेट आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ ए मान लेते हैं एक्स, और नंबर ऑफ बी हो जाएगी आपकी वाई, ठीक है। अभी देखो ए को कितना नंबर, ए को 1 आवर चाहिए ऑन M1 एंड 2 आवर ऑन M2, और टू आवर ऑन M1, और M1 को मिनिमम एट द मोस्ट 12 आवर्स के लिए करना है। सो x + 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12, ये मशीन 1 कंस्ट्रेंट हो गया। सिमिलरली 2x + y शुड बी लेस देन इक्वल टू 12, और मशीन 3 में मिनिमम चलता है, सो x + 5/4y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि उसको 5 घंटे से ज़्यादा ऑपरेट कराना है। सो अब आप इसको फॉर्मुलेट कर लो, 4x + 5y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है क्या। और अच्छा ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं लिखा हमने, जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, 60x + 40y, इसको क्या करना है आपको मैक्सिमाइज, क्योंकि ये प्रॉफिट फंक्शन है,
ठीक है, और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कंटिन्यूज, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. बन गई क्या आपकी? फॉर्मुलेट करनी थी हमको, सो फॉर्मुलेट हो गई. गॉट इट? समझ आया क्या क्वेश्चन? समझ आई? दिस इज क्लियर एवरी वन? नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. अ ब्रिक मैन्युफैक्चरर हैज टू डिपोज ए एंड बी विद स्टॉक्स ऑफ 30,000 एंड 20,000 ब्रिक्स रिस्पेक्टिवली. सो ए और बी दोनों में स्टॉक्स है ना 30,000 और 20,000 का है. नाउ ही ट्रांसपोर्ट्स, ही रिसीव्स ऑर्डर्स फ्रॉम थ्री बिल्डर्स पी क्यू एंड आर फॉर 15,000, 20,000 एंड 15,000 ब्रिक्स. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द 1,000 ब्रिक्स. अभी देखो यार, हम लोगों को है ना सब कुछ यहाँ पे 1,000 के केस में दे रखा है, तो हम लोग है ना इसको 1,000 ब्रिक्स को है ना 1 यूनिट मान लेते हैं, तो ये 3-3 जीरो का ठंडा ही अड़ जाएगा. नहीं तो फिर क्या बार बार वो 3-3 जीरो को घसीटते रहो घसीटते रहो घसीटते रहो. सो मान लेते हैं हम लोग 1,000 ब्रिक्स का मेक्स 1 यूनिट. ठीक है, सो हम यूनिट्स लिख देंगे यहाँ पे ना. फिर क्या बोल, लास्ट में फिर आंसर लिखते टाइम तो चेंज कर लेना, पर पहले अभी ये लिख लो. द मैन्युफैक्चरर विशेस हाउ टू फुलफिल द ऑर्डर सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, फॉर्मुलेट दी एलपीपी. ये आपको बस फॉर्मुलेट ही करना है. ठीक है, सो क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, सो मान लेते हैं कि इसको हमेशा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैप से करते हैं हम लोग. सो हमारे पास दो डिपोज हैं ए एंड बी और तीन बिल्डर हैं पी क्यू एंड आर. सही है, मान लेते हैं ए डिपो, ए डिपो की कैपेसिटी कितनी है? देखो इसमें गिवन है ए डिपो हैज अ कैपेसिटी ऑफ 30,000. सो हमने एक यूनिट को क्या बोला था 1,000, तो कितने यूनिट्स हो गए इस पे? 30 यूनिट्स का इसका स्टॉक है और इसका 20 यूनिट्स का स्टॉक है. वेर एज पी क्यू आर की रिक्वायरमेंट कितनी है? इसकी 15 की रिक्वायरमेंट है, इसकी 20 की रिक्वायरमेंट है और इसकी 15 की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, मान लेते हैं लेट ए से पी को सप्लाई हो रहा है एक्स यूनिट और क्यू को सप्लाई हो रहा है वाई यूनिट. ठीक है, सो ए से सप्लाई हुआ पी को एक्स यूनिट, बी को सप्लाई हुआ वाई यूनिट. एक्स यूनिट मतलब एक्स थाउजेंड, वाई यूनिट मतलब वाई थाउजेंड ब्रिक्स. ठीक है, तो ए फिर आर को कितनी सप्लाई कर पाएगा? टोटल उसकी 30 की है, एक्स और वाई ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका है, तो कितना बचा? 30 माइनस एक्स प्लस वाई. हाँ या ना? चेक कीजिए. अभी देखिए, पी की रिक्वायरमेंट 15 की थी, एक्स ऑलरेडी ए से आ गई, तो अभी कितनी बची? 15 माइनस एक्स की रिक्वायरमेंट. सिमिलरली इसकी कितनी बची? 20 माइनस वाई की रिक्वायरमेंट. और इसकी रेखे कितनी बचेगी? 15 माइनस 30 माइनस एक्स माइनस वाई की रिक्वायरमेंट, विच इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स प्लस वाई माइनस 15. सही है कि नहीं है? चेक कीजिए. अब पहले हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं. सो कॉस दे रखे हैं यहाँ पे, नीचे लिखते हैं मैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आराम से. जेड इज इक्वल टू, हमको क्या करना है? मिनिमाइज कॉस्ट है ना, सो मिनिमाइज. ठीक है, अभी देखो पी से ए के बीच में 40 रुपीज लगते हैं, तो 40x प्लस क्यू से ए 20y प्लस 20 इंटू हमने कितना लिखा था? 30 माइनस एक्स माइनस वाई. ध्यान है ये आर की. और बी की कितनी है? देखो बी की हो जाएगी 220, बहुत ही महंगा है भाई, 15 माइनस एक्स, फिर 60 इंटू 20 माइनस वाई, सॉरी 20 माइनस वाई, और फिर इसको सी पे कितना, मतलब आर पे कितना लग रहा है? 40 रुपये, 40 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 15. अब हमको क्या करना होता है? बस इसको रीअरेंज ही करना होता है और कुछ नहीं. ये कॉस्ट लिख ली हमने सारी, अब आप इसको ओपन करिए और रीअरेंज कीजिए. सो ओपन करते हैं, 40x प्लस 20y प्लस 600 माइनस 20x माइनस 20y. ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस 220 इंटू 15 करोगे तो कितना आता है? 3300. हाँ ठीक है, माइनस 220x, फिर आ रहा है प्लस 1200 माइनस 60y प्लस 40x प्लस 40y माइनस 600. सही लिखियो, चेक करो. अभी देखो 20y से 20y तो कैंसिल हो गया. ठीक है, फिर देखो 40 60 प्लस 40, अब कुछ नहीं कैंसिल होता दिख रहा है, प्लस 100 600 माइनस 600 ये भी कैंसिल हो गया. और कुछ दिख रहा है क्या? तो अब ऐसा करते हैं इकट्ठा कर लेते हैं, 40 माइनस 20 20 20 बचा, फिर माइनस 220, तो माइनस 200 बचा, माइनस 200 प्लस 40 कितना बचा? 200 प्लस 160x. चेक करो. फिर देखो y वाले टर्म्स देखते हैं, माइनस 60y और प्लस 40y, माइनस 20y
और फिर देखो 3300 और 1200 कितना होएगा, 45। क्या चीज़? अच्छा -160x, ठीक है। कि 220 कहाँ से आया था? अच्छा यहाँ से आया था, ठीक है। यार ये है ना एक टाइपिंग एरर है, ये 20 होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये टाइपिंग एरर है, 20 होगा। P2 B जो है ना वो 20 है सिर्फ, 220 नहीं होगा, 20 है, इट इज़ ओनली 20। 220 मत लिखिए, 1 2 हटा दीजिए, तो आगे का थोड़ा सा चेंज होएगा बस ये वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा +300 -20x। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये है ना टाइपिंग एरर है कुछ, नहीं तो इतना बड़ा नेगेटिव एक्स नहीं आ सकता है। 40 एंड -40, तो +40 बच रहा है ना, 40x सही है। फिर वाई कर लो, -60 बच रहा है इसमें, तो -20y देखो। और ये 315, और क्या बच रहा है, 300 और 1200, 1500 बच रहा है। तो बस ये बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट विच यू हैव टू मिनिमाइज। ये आपका जेड आ गया। अब कंस्ट्रेंट्स निकालने हैं, तो देखो यार कंस्ट्रेंट्स पे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट सब जगह होगा। तो एक तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर देखो आप 15 - x जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं कंसिडर कर सकते। सो एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 15, वन कंस्ट्रेंट। ऐसे ही 20 - y मस्ट ऑल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इट विल बी वाई लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। अब 30 - x - y मस्ट ऑल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x प्लस y हो जाएगा ना, शुड बी लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। एंड लास्ट बच रहा है आपका ये वाला, एक और कंस्ट्रेंट कौन सा था, नीचे वाला था ना, x प्लस y इक्वल टू -15, शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इधर से आ रहा है x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15। सो कंस्ट्रेंट्स फिर लास्ट में लिख दीजिएगा, द फंक्शन इज दिस एंड दीज आर सब्जेक्टेड टू दिस कंस्ट्रेंट्स, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू दिस सब्जेक्टेड टू 1 2 3 4 5 6 कंस्ट्रेंट्स। गॉट इट, समझ आया क्या? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर, ही हैज टू स्पेंड 2 किलोमीटर पर आवर ऑन पेट्रोल। इफ ही राइड्स फास्टर 40 किलोमीटर पर आवर, द पेट्रोल कॉस्ट इंक्रीजेस टू 5 किलोमीटर पर किलोमीटर। इफ ही हैज 100 रुपीज टू स्पेंड ऑन पेट्रोल एंड विशेस टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर, सो टाइम कंस्ट्रेंट कितना है 1 आवर का, मनी कंस्ट्रेंट कितना है 100 रुपए का, ठीक है। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट ग्राफिकली। सो ग्राफिकल सोल्यूशन भी निकालना है हमको इसका। क्वेश्चन नंबर 9, मान लेते हैं वो 25 किलोमीटर पर आवर पे जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो एक्स है, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 40 किलोमीटर पर आवर इज वाई। लेट डिस्टेंस कवर्ड एट 25 किलोमीटर पर आवर बी एक्स किलोमीटर्स एंड एट 40 किलोमीटर पर आवर बी वाई किलोमीटर्स, ठीक है। अभी आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, दैट ही कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस इन 1 आवर। सो मैक्सिमम मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सही बात है। डिस्टेंस कवर्ड बाय 25 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय 40, ये मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है क्या। नेक्स्ट पैसे का कंस्ट्रेंट, पैसे का कंस्ट्रेंट क्या है कि 2 रुपए के 25 किलोमीटर पे लगते हैं और 5 रुपए के 40 किलोमीटर पे, तो 2x + 5y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है कि टाइम कंस्ट्रेंट 1 घंटे का है, तो टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो एक्स बाय 25, ये इसका टाइम फॉर 25 किलोमीटर पर आवर की, एंड वाई बाय 40 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 आवर। यस और नो चेक कीजिए, करेक्ट। इसको रीअरेंज करके आप इक्वेशन बना लीजिए, कितना हो जाएगा देखो, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 25 और 40 का एलसीएम कितना हो गया, 200, चेक करो। हाँ 8x + 5y < 200, सही है। एलपी भी बन गई हम इसको, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंस्ट्रेंट हम यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। दो आपकी बन गई हैं, बनाते हैं एक्स एंड वाई। एक्स 0, वाई की वैल्यू हो गई 20, वाई 0, एक्स की वैल्यू हो गई 50। यहाँ पे भी बना लेते हैं एक्स एंड वाई। एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 40, एंड वाई 0 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई देखो 25, सही है। अब हम लोग हमारी एलपी भी बनाते हैं और हम ग्राफिकल सोल्यूशन देखते हैं इसका।
हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम होता है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे 50 तक जा रहा है ना, तो 10 लाइंस है क्या ये, 10, 20, 30, 40 एंड 50 हो गई, और ये 10, 20, 30, 40 एंड 50 थोड़ा सा चौड़ा बन गया मेरा, अच्छा बनेगा ठीक है। 10, 20, 30, 40 एंड 50, 10, 20, 30, 40 एंड 50 करेंगे। पॉइंट्स टेन आते हैं, x0 है, y50 है, y0 है, सॉरी x0 है, y20 है, आई एम सो सॉरी, और x50 है, y10 है, 0 है, ये रही। और ये कंस्ट्रेंट क्या था, लेस देन, तो इसका मतलब 0, 0 वाली साइड आएगी ठीक है, ओरिजिन वाली साइड। दूसरा वाला बनाते हैं, कंस्ट्रेंट क्या है, x0 है, y40 है, और x25 है, y0 है, x25 y दिस। सो इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये वाला, और दोनों ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, दोनों ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, तो आपका फीजिबल रीजन क्या हो गया, देखो योर फीजिबल रीजन विल बी दिस, यस और नो। अच्छा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो यू हैव टू रिमेंबर ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है आपका सोल्यूशन रहेगा, करेक्ट। लेट्स मेक द कॉर्नर पॉइंट्स नाउ। कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए, पहला कॉर्नर पॉइंट तो ऑलरेडी निकला हुआ, ये रहा ए कॉर्नर पॉइंट, ए क्या है, इट इज 25, 0। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, बी वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसको, इक्वेशन को क्या थी, 2x+y 175/12 को फर्दर कैलकुलेट करो ना, 175 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 5 एंड नहीं 175/12 तो गलत किया, फिर एक बार चेक करो, 50/3 निकाला आपने, इसके बाद निकालो, अच्छा फिर तो पूरी चेक करनी पड़ेगी ना मुझे एक बार, 5y 5y है ना, तो फिर तो क्या दिक्कत है, 2x+5y=100 एंड 8x+5y=200, सब्ट्रैक्टिंग दीज टू 6x=-100 सॉरी -6x, सो एक्स की वैल्यू हो गई 100/3 विच इज 100/6 50/3 ठीक है, क्या 50/3 आ गया, पुट कर देते हैं, 2 × 50/3+5y=100, तो ये हो जाएगा 100/3, 5y=100 − 100/3, तो 100 × 2/3 हो गया बेसिकली, 5 × 5 = 20, तो 40/3 आ रहा है मेरा, तो एक वाई की वैल्यू चेक कर लो, 100 × 100/3 होगा, तो 1 − 1/3 हो गया बेसिकली, 100 × 2/3 लिख दिया मैंने, 40/3, सो मेरा नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट हो गया 40/3, और एक और कॉर्नर पॉइंट कौन सा है मेरा, ये वाला सी विच इज 0, 20, और एक मेरा ओरिजिन 0, 0। हमेशा ओरिजिन पे भी चेक करें आप अपना फंक्शन ठीक है, चेक कर लेते हैं सारी वैल्यूज पे, जेड जेड वैल्यू क्या थी, x+y सिंपल था, सो एट 0, 0 जेड आ रहा है 0, एट ए 25, 0 जेड आ रहा है 25, एट बी 50/3, 40/3, 90/3 विच इज 30, ये बड़ा आया है, और लास्ट वाला फिर और कम आ रहा है सी 20 आ रहा है, सो मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करें हम, 50/3 और 40/3 कॉर्नर पॉइंट पे। अच्छा बाउंडेड रीजन है, सो डेफिनेटली देर विल बी अ सोल्यूशन टू दिस ठीक है, क्या यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी हैज टू फैक्ट्रीज लोकेटेड एट पी एंड क्यू एंड हैज थ्री डिपोज सिचुएटेड एट ए बी सी, द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपोज आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर 5, 5, 4 यूनिट्स, व्हाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्रीज एट पी एंड क्यू इज रिस्पेक्टिवली 8 एंड 6, द कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आपको बस है ना मेरे को इसकी वो बना के देनी है LPP, फटाफट से बना दो, सॉल्व बाद में कर लेना घर पे, LPP फॉर्मुलेट कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये वाले चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के आने के। फटाफट से LPP फॉर्म्युलेट कर दो, जल्दी से कीजिए, हाँ जी डन, फॉर्म्युलेटेड फॉर्म्युलेट करो फटाफट से, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स लगेंगे, बाकी कुछ नहीं है, एक परफेक्ट जेड निकलना चाहिए आपका, जेड शुड बी परफेक्ट एंड देन बाकी सारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। फटाफट बना दीजिए,
इन्होंने पैसे भी लिख लिए उसके साथ में, तो फटाफट उसी से ग्राफ से बन जाएगा इनका पूरा क्वेश्चन। डन हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 10। की रिक्वायरमेंट है एक्स वाई 8 - x + y या 8 - x - y कैसे भी लिख रहे हो यार। ठीक है नेक्स्ट इधर इसकी रिक्वायरमेंट 5 - x 5 - y 6 - 8 - x - y सो x + y - 2 सही लिखी हूँ। चेक -4 सॉरी 4 - 8 - x - y x + y - 4 जेड फंक्शंस बता दी थी फटाफट से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करना है? मिनिमाइज करना है। 210x - 170y +1900 ओके आर यू श्योर? +160x + 100y + 115 - 8 कितना हुआ? +1200 - 150x - 150y और +500 - 10x 100x 5 × 120 होगा ना मैम? 600 होएगा। 600 - 120y + 100x + 100y - 400 4 × 100 = 400 x + y - 4 बन रहा ना ऊपर। चेक कीजिए एक बार वापस से। फोर माइनस एट। अरे 4 इसकी टोटल कैपेसिटी है, उसमें से इतना आ गया तो 4 माइनस चलेगा तो x + y - 4 चलेगा। अब इसको रीअरेंज करके एक बार सॉल्व करके देखो। 160 और 100x से 100x तो कैंसिल हो गया, फिर 160 - 10x ही बच रहा है, फिर 150y और -120y और +100y तो ये -20 बचा, -170y कुछ और ही आ रही है वैल्यू आपकी अलग आ रही है, मेरी अलग आ रही है। 600 - 10 तो ये हो गया मेरा 200 और 1400 - 1500 - 1900 चाहो तो 10 कॉमन ले लो x - 17y + 190 दिस इज दी कंडीशन। चेक कीजिए एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक्स प्लीज अवॉइड कीजिए। आपका तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा था यार, कहाँ 210 - 170 - 1900 अच्छा 400 को 200 लिखे। अच्छा ओके ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है चेक कर ली कैलकुलेशंस एवरीवन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स बोल दीजिए फटाफट से। xy > 0 एक तो xy < 5 आया होगा एक है ना, दूसरा x + y < बोलो भाई भाई x + y < 8 बैठेगा ना ऊपर से, और x + y > 4 नहीं हाँ ये वाला यहाँ से आ गया x + y < 8 एंड x + y > 4 गॉट इट। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, योर होमवर्क।
टू सॉल्व दिस. नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. अ फ्रूट ग्रोअर कैन यूज टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन हिज गार्डन, ब्रांड पी एंड ब्रांड क्यू. द अमाउंट इन केजी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटेश एंड क्लोरीन इन द बैग ऑफ ईच ब्रांड आर गिवन इन द टेबल. ठीक है, अलग अलग मतलब कितना कितना अमाउंट अवेलेबल है इनमें, ये सब दे रखा है यहाँ पे. द टेस्ट इंडिकेट दैट द गार्डन नीड्स एटलीस्ट 240 केजी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, एटलीस्ट 270 केजी ऑफ पोटैश एंड एट द मोस्ट 310 केजी ऑफ क्लोरीन. द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मिनिमाइज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन. सो ये आपको कैलकुलेट करना है. सो हम लोग ब्रांड पी ब्रांड क्यू हम लोग पहले इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं और फिर आगे आप देखोगे ना पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11, मान लेते हैं पी ब्रांड के हमने एक्स बैग्स लिए हैं और क्यू ब्रांड के हमने वाई बैग्स लिए हैं. ठीक है, फॉर्मुलेट करते हैं. हमसे बोला है कि नाइट्रोजन हैज़ टू बी मिनिमम ना, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. तो मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, नाइट्रोजन कितनी है 3x और प्लस 3.5y, यही तो है मिनिमाइजेशन फंक्शन. चेक करो. नेक्स्ट, इफ द ग्रोअर वॉन्ट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ब्रांड पी शुड बी यूज. सो ब्रांड पी के कितने यूज करने हैं उसको, ये चेक कीजिए. तो कंस्ट्रेंट्स और बना लीजिए पहले एक बार. तो सो एक्स प्लस 2y, फॉस्फोरिक एसिड का कितना था एटलीस्ट, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 240. फिर एक्स प्लस, फिर 3x प्लस 1.5y टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 270. कितना रहा था 3x प्लस 1.5y टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 270. इसको 3 से डिवाइड 1.5 से डिवाइड कर लो तो 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आ जाएगा. देखो चेक करो 1.515 से डिवाइड किया मतलब मैंने. ठीक है क्या, सही है. फिर उसके बाद एक और मेरा क्या है, एट द मोस्ट 2310 होना चाहिए क्लोरीन. 1.5x प्लस 2y टू बी लेस देन इक्वल टू 310. हाँ या ना, एट द मोस्ट 1310 क्या हुआ. अरे 1.5 को 1.5 से डिवाइड कर रही हूँ तभी तो 90 आया उधर. ठीक है 3/2 कर लो, नहीं तो यार 2 और इंटू 3. ठीक है गॉट इट. चले आगे यहाँ से. अभी देखो ये आपके पास आ गई. अब इससे पूछा है यार इसने कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन यार ब्रांड पी की. तो यार एक तरीका तो ये है कि आप इसके अंदर रैंडमली हिट एंड ट्रायल कर लो, बेस्ट है. ठीक है हिट एंड ट्रायल करोगे तो ब्रांड पी की अगर 40 है तो देखो पहले वाले कंस्ट्रेंट से देखो हाँ तो पर वाई भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना उसके लिए. इक्वल टू है ही नहीं तो यू हैव टू सॉल्व दिस फॉर मतलब फॉर्मुलेट करने के बाद यू हैव टू सॉल्व दिस. तो ग्राफ बनाओ सॉल्व करो इसको. ठीक है सो सॉल्व करने के लिए कुछ हिंट देख लेती हूँ मैं पहले. कुछ कैंसिल होता है तो देख लेते हैं. 10, 15, 10, 20 यहाँ पे भी 100. 1.5 इससे डिवाइड कर सकते हैं क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है तो क्या देख लो. 5 से कर लूँ वैसे कर सकती हूँ क्या 5 से. देखो 0.5 मतलब कहने का मतलब, या चलो ऐसा कर देती हूँ 10, फिर करती हूँ 15x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 3100. फिर उसको फर्दर सॉल्व कर लो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 650. सही लिखी हूँ, चेक कर लो एक बार. 5 से डिवाइड किया 620. ठीक है क्या. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मुलेट कर तो लिया हमने, इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा, बनाओ ग्राफ. अब अगेन ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बैठता है जैसे. तो यार इसमें है एक्स प्लस वाई 240, तो 120 240 तक जाएगा और ये वाला जाएगा 90 45. ठीक है और ये वाला 620 डिवाइड करेंगे 3 से तो कुछ बैठेगा ही नहीं. तो यार ऐसे तो y y की वैल्यू से फोर्टी कॉमा फोर्टी
पूरा आंसर 40.40 है ही नहीं, 40 तो सही है पर 40.40 सही नहीं है, ठीक है। चलिए करना ही पड़ेगा, ऐसे इतना ज़्यादा भी शॉर्टकट पे मत जाइए, ठीक है। इसका सोल्यूशन रीजन छोटा सा ही आएगा, करके देखते हैं फटाफट से। सो इधर से आ रही है आपके पास वैल्यूज, मैं पुट्टी करती हूँ इसमें सारी, लिखती हूँ यहाँ पे। सो 30, 60, 90, 120, 150, 180, फिर 210, 240, 270, बहुत लंबा ही चलेगा यार ये तो, 270, 300, 330, 60, 360, 390, 420, अभी चेक कर लो यार इसमें। सो अगर मैं x को ज़ीरो रखती हूँ तो y की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 620/4 कितना हुआ, 150। और जब y ज़ीरो रखती हूँ तो x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 620/3, 155, ओके, 206.66, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम देख लेंगे यहाँ पे। आपको अल्टीमेटली यहाँ पे वही देखना रहेगा, सेम यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ले लेते हैं, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 240, 270, 300, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 और ये 300, ठीक है। और ऊपर वाली की भी बना लेती हूँ कुछ तो भी मैं। सो ये वाली मेरी आ रही है व्हेन एक्स एंड वाई, सो व्हेन एक्स इज ज़ीरो वाई की वैल्यू हो गई 90 एंड व्हेन वाई इज ज़ीरो एक्स की वैल्यू हो गई 45। सिमिलरली इसका भी बना लो एक बार, एक्स एंड वाई, एक्स ज़ीरो वाई कितना आ रहा है 120 एंड व्हेन वाई इज ज़ीरो एक्स आ रहा है 240। चलो प्लॉट करते हैं फटाफट से, सॉरी एक्स ज़ीरो है वाई 120 है, सो वाई 120 मतलब 90, 120, ये रहा, बहुत छोटा हो जाएगा मेरा, 20, 40 ले लेना चाहिए था, और x 240 और y 0 है, सो x 240 मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो इसको ज्वाइन किया और ये आ गया, ठीक है, और ये अंदर की तरफ का आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि लेस देन वाला है। नेक्स्ट चलते हैं ये वाला 90 वाला, x 0 है y 90 है, 90 मतलब ये पॉइंट, एंड y 0 है तो x 45 है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन किया अगेन, ये वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है, देखो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो अगेन ओरिजिन की तरफ का आ रहा है ये तो, पर ठीक है बनाया मैंने, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, सॉरी, सो 0, 0 वाला नहीं आएगा, उस तरफ आएगा, ठीक है क्या, नहीं तो फीजिबल रीजन क्या बनता, मैं ये सोच रही थी। सो इस तरफ अभी तक हमारा ये दोनों आंसर आ रहा है, ये वाला सोल्यूशन सेट, 20, 40, 60 लेना चाहिए था हमको, इसमें ज़्यादा इजीली हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला है एक्स जीरो वाई 155, मतलब कहाँ होगी वैल्यू, 120, 150, 155 यहाँ पे कहीं पे है ना, और वाई ज़ीरो एक्स 206.5, 206 मतलब 180, 210, सो यहाँ पे कहीं पे वो वैल्यू आएगी, करेक्ट। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं हम लोग, या आप 10-10 की गैप में लेना, आपका आंसर परफेक्ट रहेगा। अरे यार ठीक है चलो ऐसा हो गया। अभी देखो इसके अंदर अंदर का सोल्यूशन आ रहा है, चेक करो इसका सोल्यूशन किस तरफ का आ रहा है, टेढ़े मेढ़े कर दिए यार अपन ने शायद, इस तरफ इसका सोल्यूशन इस तरफ है, इसका सोल्यूशन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मतलब ये वाला अंदर और इसका भी अंदर, सो ये वाला रीजन आ रहा है, चेक करना ये रीजन आ रहा है क्या, चेक करो ये आ रहा है क्या, उसका भी अंदर है, इसका भी अंदर है और इसका बाहर है, ये आ रहा है, चेक कर लीजिए एक बार, है ना। सो अब आप कॉर्नर पॉइंट्स बनाइए, कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे आपका पहला वाला, तो ये तो एक तो यही हो गया, ए क्या हो गया 0.90, फिर ये वाला आ गया बी 155 है ना 0.155, फिर सी ये वाला निकालना पड़ेगा आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू वंस, ये वाला 3x + 4y < 620 और एक x + 2y, हाँ जी बी पॉइंट क्या है, हाँ 120, 0.120 करेक्ट। नेक्स्ट 1, 2 एक बार मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा गलत ही है, नहीं दिस एंटायर ग्राफ ऑल्सो वी हैव मेड इट रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है,
We'll do it again. ये ना वो तुम्हारे पास तो ग्रेड रहता है, इसमें है ना बहुत गलत हो जाती है ये। चलिए क्या आ रहा था क्या? ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, पर ग्राफ से आंसर निकालना पड़ेगा। बट यू हैव टू चेक फॉर दीज वैल्यूज। एक बार इसी को सही कर लेती हूँ मैं। एक्स प्लस टू वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 240 आ रही है। दूसरी क्या आ रही है हमारी? 2x प्लस वाई, ये है ना हमने डिवाइड शायद गलत किया है, एक बार चेक करो। 3x 1.5, 180 आएगा ना? करेक्ट, हाँ मुझे यही दिख रहा है, ये 180 हो गया। मैं कह रही थी ना यही वैल्यू गलत आ रही थी, इसलिए वो उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था और अनबाउंडेड आंसर आ रहा था। गॉट इट? सो दिस इज हाउ दिस विल बी 180, राइट? ये 180 हो गया, तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पे? एक्स जीरो है तो वाई हो गया 180, एंड वाई जीरो है तो एक्स हो जाएगा 90, करेक्ट? फिर उसके बाद सेम यहाँ पे वाली वाली भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1.5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 310, यही रहने देती हूँ, जिससे कि है ना हम लोग छोटी स्केल पे ही काम कर लेंगे। छोड़ो, छोटी स्केल पे काम मतलब हम लोग छोटा वाला ही बना लेंगे और काम हो जाएगा इसमें। सो लेट्स मेक दिस। एक्स क्या था वो? 1.5x प्लस 2y टू बी लेस देन इक्वल टू 310, इसी पे काम करते हैं, ठीक है? सो इधर से देखो, एक्स और वाई निकालते हैं। एक्स एंड वाई, एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है चेक कर लो एक बार। टू से डिवाइड करो, 60 नहीं, 155, करेक्ट। और वाई जीरो है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 310 डिवाइडेड बाय 1.5, है ना? 310 डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट आया ऊपर 10 आ गया। हाँ, 2 ज़ा 3 ज़ा 620 बाय 3, 2 0 6.67, हाँ वही वाली आ रही है, तो सेम ही आ रही है, ठीक है? अब सही बना लेते हैं इसको, ग्राफ को। अब 10 10 के में ही रखते हैं हम लोग, सो दैट हमारा इजी रहेगा, मतलब थोड़ा बड़ा दिखेगा तो हमें अच्छा दिख जाएगा। कहाँ तक चलना है मुझे? वाई देखो, 206 तक था ना? नहीं, 155 ही लास्ट है। सो इधर देखो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, नहीं 20 ले लो, नहीं हो पाएगा। तो ये 20 40 60 80 100, ये हो गया 20 40 60 80 एंड 200, करेक्ट? और एक्स कहाँ तक जा रहा है? 206, तो 220 तक लाना लेते हैं हम लोग। 20 40 60 80 100, 120 140 160 180, 200, 220 तक हमारा काम हो जाएगा, देख लो, चेक करो। अभी देखो हम लोग बनाते हैं फटाफट से। पहला है एक्स जीरो वाई टू वाई 120, सो 240 तक चाहिए मुझे ये। सो वाई इज 120 एंड एक्स इज 240, ये वाला एक ग्राफ है, उसको बनाइए। ये बन जाएगा ऐसा। अब ये क्या बोल रहा है? लेस देन इक्वल टू है तो टूवर्ड जीरो रहेगा, चेक कर लो। नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू है सो ऊपर की तरफ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 240 तो ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला ग्राफ है आपका एक्स जीरो वाई 180 और 90। वाई 180 तो ये रहा, और 90 ये वाला, ठीक है? सो ये आ जाएगा ऐसा। और ये कहाँ की तरफ जा रहा है? बाहर की तरफ ही जा रहा है, राइट? सो इट्स गोइंग आउटसाइड ओनली, तो ऊपर की तरफ का ही सोल्यूशन सेट आ रहा है आपका। पर अब जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो आपका ये वाला रहेगा। सो पुट करते हैं एक्स जीरो वाई 155, वाई 155 विल बी समवेयर हियर एंड एक्स जीरो, एंड दूसरा आ रहा है वाई टू एक्स 206। 206 मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पे कहीं पे चेक कर लीजिए। नाउ इसको ज्वाइन करेंगे ना तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। और अब अंदर की तरफ, इसका अंदर आ रहा है इस तरफ, ये वाला दिस वन है ना, इनसाइड आ रहा है ये, क्योंकि चेक करो इसका आ रहा है अंदर की तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड। तो दिस रीजन इज योर फीजिबल रीजन। सो फीजिबल रीजन को मार्क कर लेते हैं हम लोग, दिस विल बी योर फीजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने रहेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए। कॉर्नर पॉइंट्स एक तो ये वाला आ रहा है विच इज
20 पुट करके देख लो एक बार, कौन कौन सी दो इक्वेशन है, ये वाली 90 वाली है एक तो, और एक कौन सी, ये तो 90 वाली है 180 एंड 90, और ये कौन सी वाली है 6200 165 वाली, ये वाली दिस वन एंड 180 90 दिस वन। सो इसमें एक बार एक्स की वैल्यू क्या रख के दूँ, 20 करके देख लेती हूँ एक बार, 20 पुट करके देख लो, 20 पुट करा तो कितना हुआ 180 140, देखो एक पॉइंट तो ये आ रहा है दिस पॉइंट 20 के हिसाब से, इसको नाम दे दिया बी 20,140, चेक कर लो ये सेटिस्फाई कर रहा है। मैं सॉल्व नहीं किया, मैं ऐसे रैंडमली वो ग्राफ के ऊपर आ रहा था उससे ले लिख लिया। फिर ये वाला पॉइंट देखो, ये 40 के आसपास आ रहा है, 40 चेक कर लो, ये कौन सी है 180 वाली 80, और ये कौन सी जा रही है 120 240 वाली, ये वाली, इन दोनों में एक्स 40 रख के देखा तो कितना रह गया, इधर से आया 100, और इधर से एक्स 40 रखा तो इधर से भी आया 100, देखो वाई 100। आपका आंसर तो सही है पर सॉल्व भी करना पड़ेगा, 40,100 पॉइंट है मतलब। और एक ये अप्रोक्सीमेटली देख लो कितना आ रहा है, ये पॉइंट किन दोनों का इंटरसेक्शन है 60 वाली और 120 40, ये वाली दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। माइनस कर दिया सो बचता है एक्स, और माइनस किया 240 माइनस 310 कितना होता है 60 70, सो एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 140,140,50, चेक कर लो यही आ रहा है ए। अब कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको चेक करना रहेगा, चेक द वैल्यू ऑफ जेड एट द कॉर्नर पॉइंट, जेड कितना था हमारा 3x into 3.5y, सो जेड एट ए 140,50, जेड की वैल्यू कितनी हो गई 3x, 3 into 140 कितना हुआ 420, प्लस 3.5 into y कितना होता है 175, सो सम टोटल कितना हुआ 595। सो ये नेक्स्ट देखते हैं बी पॉइंट पे 20,140, जेड आ रहा है आपका 550, और एक लास्ट सी पॉइंट 40,100 470 यही आ रहा है। सो इधर से हमें दिख रहा है कि हमारी जेड की वैल्यू मिनिमम कहाँ आ रही है, एट द पॉइंट सी। जो अब इससे आपसे क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा है, क्वेश्चन ने बोला है हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ब्रांड पी, सो 40, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ब्रांड क्यू 100, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड 470 अभी आपने किया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स मतलब पी प्लस क्यू 40 प्लस 100 140। अगेन यू हैव टू सॉल्व दिस एलपीपी, नहीं तो फिर आपको मार्क्स नहीं देगा वो ऐसे, बट दिस इज केस बेस्ड ऑल्सो, वर्किंग दिखानी रहेगी। लास्ट वाले में नहीं दिखा सकते मतलब, पर एक बार तो दिखानी पड़ेगी आपको, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट शुड बी दिस, ठीक है क्या। इसलिए नेक्स्ट, अगर ये ऐसे एमसीक्यू 1 मार्क वाले में आता ना, एक 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 एक, तो उसमें आपको नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आई एम सो सॉरी, लेट आर बी अ फीजिबल रीजन ऑफ, अच्छा कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब, पॉलीगन मतलब पहले तो ये बता दो, बाउंडेड राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बाउंडेड रीजन ही रहेगा, फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हेन जेड इज एन ऑप्टिमल, कुछ भी नहीं बकवास बोल रहा है ये, कुछ नहीं किया है आपको, एलपीपी सॉल्व करनी है, जेड दे रखा है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और एक्स वाई ग्रेटर, एक ही लाइन बनानी है, अंदर वाला ट्राइंगल सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। और आपको फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एलपीपी एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ओनली, यू हैव टू फाइंड ओनली द कॉर्नर पॉइंट्स, सो आपको कॉर्नर पॉइंट्स स्पेसिफाई करने रहेंगे, दैट द कॉर्नर पॉइंट्स आर दिस 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 दिस, जो भी आ रहा है। सो दो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं और आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एक्स एंड वाई पॉजिटिव दे रखा है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, यू डोंट हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द वैल्यू। नाउ दीज आर 2-2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले जो होते हैं ना सब्जेक्टिव बेस्ड, जो है केस बेस्ड होते हैं, उसके अंदर 2-2 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन रहते हैं, सो यू हैव टू सॉल्व। यहाँ पे ये वाला तो सॉल्व करना था ग्राफिकली, और इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के देना है। सो यहाँ पे जेड की मैक्सिमाइज वैल्यू निकाल के देनी है, मतलब एक्स और वाई ऑप्टिमम लेवल पे बता के देना है, और यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है, जेड वेड कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। गॉट दिस, समझ आया, हो जाएगा, दिस इज वेरी इजी, ये वाला मैं स्किप कर रही हूँ, अपने आप कर लेना, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर 2 यूनिट्स, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड
linear programming. We'll be starting with integral calculus in the next lecture. See you all tomorrow. Thank you. Bye.